सर्दी की इस कड़कड़ाती तपती धूप में ये पूरी फैमिली क्यों भाग रही है ये मुझे भी नहीं पता। आइए वजह जानते हैं। जल्दी आओ, ऑफिस भागो। अरे रुको, जल्दी करो। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमें उससे बचाइए। उसे अरेस्ट कीजिए सर। किससे बचाइए? किसी वक्त अरेस्ट कीजिए। किसे अरेस्ट करूं? उसे, उस कांस्टेबल को। अरे इसे नहीं, उसे। अरे कोई नाम भी होगा उसका? वो दिखने में भोला है लेकिन किसी एटम बॉम्ब से कम नहीं है। कोई टेररिस्ट है? उनसे भी खतरनाक है। उसे पकड़ के उम्र कैद दे दो। उम्र कैद नहीं, उसे फांसी देना। उसका इनकाउंटर कर दो सर। जल्दी कुछ करिए सर। मुझे ऑर्डर देने की कोशिश मत कर वरना मैं तुझे अंदर डलवा दूंगा, तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा और तेरा तो इनकाउंटर कर दूंगा। अब बता कौन है वो? मेरा भतीजा है सर। मेरे जेठ का लड़का है। हमारा फ्रेंड है सर। हमारा भाई है सर। समझ गया, अब बता उसने किया क्या है। क्यों काजल, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है? मुश्किल से पैसे वाला लड़का मिला इसलिए। मैं तुम्हारे दूल्हे को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ऋतिक जैसा दिखता है क्या? बस उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है। बहुत हैंडसम है क्या? हैंडसम तो होगा ही क्योंकि वो मेरा होने वाला पति है। मेरा तो दिल कर रहा है अभी देख कर आऊँ उसे। तो जाके देख लो। क्या बात है काजल, जीजा जी तो बहुत ही डैशिंग है। बिल्कुल फिल्म स्टार जैसे हैं, तू तो सेट है। मुझे ऐसा पति मिलता तो मैं मंडप से सीधे हनीमून के लिए जाती। शायद वो कोई और होगा, दूल्हा तो इस वक्त नीचे वाले कमरे में तैयार हो रहा है। जाओ वहाँ देख के आओ। प्यारे जीजू। उसके पैर तो देख, मेट्रो ट्रेन का पिलर लग रहा है। उसके माथे का टीका ऐसे लग रहा है जैसे कथे के सर पर सींग। एक भालू को शेरवानी पहनाएंगे तो वो भी इससे सुंदर लगेगा। दूल्हा नहीं, दूल्हे का दादा दिखता है। नजर ना लग जाए स्वीट बॉय को। तैयार हो गए? बात बताओ, लोग बाहर क्या क्या बातें कर रहे हैं? कहो तो अफवाह फैला दूं कि आपकी तीसरी शादी है। पहले वाली इसलिए भागी क्योंकि आप बूढ़े हैं। मेरी मासूम त्वचा देखो, स्वीट 27 का नहीं लगता। मुझे तो लग रहे हो, लेकिन बाकी लोगों को लग रहा है कि शादी नहीं, शादी की 50वीं सालगिरह हो रही है। अरे यार, शादी के कार्ड पर लिखा है और बाहर बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या? दादा शादी में और कितनी देर है, मुझे नींद आ रही है। अनपढ़ लोगों को तो इनवाइट नहीं कर लिया, बाहर स्पीकर पर मेरी एज अनाउंस करो। भैया आपको याद है जब आप पहली बार शादी करने गए थे तो आपके साथ में घोड़ी पर बैठा था और दुल्हन भाग गई थी। फिर जब आपने दूसरी शादी की कोशिश की तब मेरा बेटा आपके साथ घोड़ी पर बैठा था, वो दुल्हन भी भाग गई। अभी आपकी तीसरी कोशिश है, इस बार घोड़ी पर आपके साथ मेरा पोता बैठा था। भाई साहब मुझे डर है कि इस बार भी दुल्हन भाग न जाए। ऐसी शुभ घड़ी में फ्लैशबैक का मनहूस कैसेट क्यों प्ले कर रहे हो? इसके मुंह में 2-3 लॉलीपॉप ठूंस दो, चुपचाप चूसता रहेगा। यहाँ दूल्हे की मम्मी कौन है? अरे वहाँ किचन में इतनी टेंशन चल रही है और आप यहाँ बातें कर रही हैं। जल्दी चलिए ना मम्मी जी। कौन था ये? मेरी बीवी को मम्मी बोल के ले गया। मेरा भतीजा है। मेरी जेठ का लड़का है। हमारा फ्रेंड है। मेरा भाई है। मुझे तो शर्म आ रही है। मुझे शर्म आ रही है। हैंडल विद केयर अंकल, ये सिर्फ एक दुल्हन नहीं है, तरुण जी के किंग साइज दिल की धड़कन है। कौन है ये सुपर हीरो जिसने मेरी डार्लिंग को बचा लिया? ओए माँ, मेरा भतीजा है। मेरे जेठ का लड़का है। हमारा फ्रेंड है। मेरा भाई है। ली जाएंगी। एक्सक्यूज मी, आप लड़की वालों की तरफ से हैं या फिर लड़के वालों की तरफ से? मैं नहीं जानता लेकिन आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपकी तारीफ। मैं मेक अ विश का मेंबर हूँ। क्या पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक कैंसर पेशेंट प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहता है? मैंने ही मिलवाया। एक बच्चा सचिन के साथ एक ओवर खेलना चाहता था, मैंने खिलवा दिया। मेरे पास ऐसी कोई विश नहीं है। क्यों, शादी करना आपकी विश नहीं है? आप जैसे अभागों की शादी करवाना मेरी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कंधों पर नहीं सिर पर ली जाती है।
ये क्या पहन रखा है? शादी का टू पीस? अंदर मॉडर्न ड्रेस रखी है, उसमें दूल्हे लोगों के पूरे 21 साल के। भाई साहब, अरे मुहूर्त का टाइम हो रहा है, जल्दी करो। बंद रखो, ये पकड़ो। मैं अभी मॉडर्न दूल्हा बन के आ रहा हूँ। चलो भाई, चलो। ये पकड़ो। उसे पहनकर मैं हैंडसम दिखूंगा। दुल्हन की फ्रेंड्स लट्टू हो जाएंगी। अब मैं लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनूंगा, देखकर दुल्हन बेहोश हो जाएगी। जल्दी, मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे यार, ड्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बाप रे, मुहूर्त का टाइम निकल गया। वरुण भाई, हाँ भाई साहब, मेक अविश वाला आदमी बाहर से कुंडी लगाकर चला गया। पता है, उसने कहा लेटेस्ट फैशन के कपड़े पहनोगे तो दुल्हन देखती ही रह जाएगी। आपकी दुल्हन तो भाग गई। मुझे पोपट बना गया। कह रहा था कि लकी ड्रेस से लड़की बेहोश हो जाएगी, लड़की को ही भगा कर ले गया। ए, जल्दी पता करो उसका कोई रिश्तेदार है क्या यहाँ पर। उन सबको पुलिस स्टेशन की लेटेस्ट ड्रेस पहनाएंगे। सुन ली हमारी दास्तां? उसने परेशान कर रखा है। वो तो खून का रिश्ता है, इसलिए निभाना पड़ता है सर। किसने कहा कि रिश्ता नहीं है? अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए जानना चाहोगे कि वो दूल्हा कौन है? कौन है सर? रिश्ते में वो मेरा मामा लगता है। अब बता कहाँ है वो? अगर वो डॉक्टर होता तो हम उसे किसी हॉस्पिटल में जाके ढूंढ लेते। लॉयर होता तो कोर्ट में जाके ढूंढ लेते। लेकिन वो तो जॉबलेस, फियरलेस, सेंसलेस, केयरलेस, रेकलेस, रिडिकुलस, इन शॉर्ट में कहूँ तो टोटली यूजलेस है। आप खुद बताइए, ऐसे निकम्मे को कहाँ ढूंढे। ए, चल पलटी हो यहाँ से। अभी अपना भाई इधर क्रिकेट खेलने वाला है, चल निकल। स्टार्ट द गेम। यार इनका क्रिकेट कब खत्म होगा? अंकल अंकल जल्दी चलो ना। हाँ हाँ चल रहा हूँ, थोड़ा रुको अभी। ए, अकल नहीं है? क्रिकेट सड़क पे खेलते हैं या मैदान में खेलते हैं? किसी को ऑफिस जाना है, किसी को स्कूल। मेरी बेटी छत से गिर गई है भाई, प्लीज एम्बुलेंस को जाने दो, प्लीज बचा के। इमरजेंसी है, प्लीज हमें जाने दीजिए। जाना। नमस्ते भैया जी। उस कमीने का पता लगाया? अभी नहीं भाई, मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा कैसा है? उसकी गर्दन अकड़ गई है। सर सर, क्या है? आपका बेटा तब दवाई लेगा जब उसे मारने वाले का पता चल जाएगा। ए, ए, अर्जुन देख मैं आ गया। ए, मैंने साले को जिंदा जला दिया और उसकी अस्थियां मैंने कसम से गटर में बहा दी, पता नहीं इसको। हाँ, छोटे मालिक उसको टपका दिया। ए, डॉक्टर दवाई दवाई लाओ, जल्दी करो, मेरा बच्चा। पानी दे, पानी दे। आकर भैया जी, जिस आदमी ने हमारे छोटे को कुत्ते की तरह धोया है वो हैंगिंग गार्डन में एक लड़की के साथ गाना गा रहा है। साला।
कर दे नालायक, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता था तू। ए अर्जुन, मुझे एक दिन का समय दे दे, मैं उसे यहां लाऊंगा, तेरे सामने मार डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उसके। तू दवाई खा ले बेटा, अपने बाप की बात मान ले। क्या है, दवाई दे। अरे नर, दवाई ला। श्रीमान, ये लड़की के पिता है कृष्णा राव जी। नमस्ते। और ये उनकी धर्मपत्नी सुजाता जी। नमस्ते। ये लड़के के चाचा चाची और उनकी दो बेटियां। नमस्ते। और ये है राजा राव, सुमित्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। बहुत ही संस्कारों वाला परिवार है, हिंसा से इनके परिवार का दूर दूर तक नाता नहीं। नमस्कार बेटा। नमस्कार चाचू। कौन थे ये लोग? शादी की बात करने आए थे। किसकी? आपकी शादी? इस उम्र में मुझसे कौन करेगा, दिमाग नहीं है क्या? तुम्हारी शादी? मेरी शादी बिना मुझसे पूछे? कोई जबरदस्ती नहीं है, लड़की देख लो, अगर पसंद ना आए तो मना कर देना। लड़की देखने में क्या हर्ज है, हमें लड़की बहुत अच्छी लगी, हमने तुम्हारी फोटो उन्हें दिखाई, वो इस रिश्ते के लिए राजी है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। रिश्ता मंजूर नहीं है या शादी करना ही नहीं चाहते? ये क्या पागलपन है, हमारी बात मानो, भूल जाओ उस लड़की को। भूलना आसान नहीं है, तुम ही समझाओ इसे। ए, तुम्हारे पापा ने तुम्हें जरूरत से ज्यादा वक्त दिया है, 3 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें इनकी बात माननी पड़ेगी। हाँ बेटा, वो संस्कारी लड़की है, तुम्हें बहुत खुश रखेगी। सवाल जितनी बार पूछेंगे जवाब वही होगा, मैं शादी नहीं कर सकता। लगता है जीते जी इसकी शादी नहीं देख पाऊंगा, लेकिन ये एक दिन जरूर मुझे मरता हुआ देखेगा। सिद्धार्थ, आपकी बत्ती तो जल गई होगी कि ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन इसकी क्या वजह है ये जानने के लिए हम 3 महीने पीछे चलते हैं। बाजू में कौन नमूना बैठा है? मयूर, मिस्टर गोले, मिस्टर वर्मा, शैलजा, एज 24, ऑपोजिट सीट। लंबा सफर आसानी से कटेगा, सुपर्ब। मिस्टर गोले, हाउ आर यू? ये क्या सर, आपको मेरा नाम कैसे पता? गंजी खोपड़ी पर भार मत दे, बाहर लिस्ट में नाम पड़ा। ये क्या बात है सर, उस सीट को साफ किया, परफ्यूम लगाया और बैठ गए ऑपोजिट सीट पर। सही ले जा, कम सिन कली। आप तो बड़े मूड में लग रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड है क्या? उजड़े खेत है, पहले आंख लड़ेगी है? फिर बातों से आगे बात बढ़ेगी, उसके बाद लव, शादी एंड हनीमून, और उसके बाद माँ बनेगी। अब जल्दी चलो भगवान, हम लेट हो गए हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, सरकार बदलने के बाद ट्रेन टाइम पर चलने लगी। माफ कर दीजिए। ये क्या है, अपनी इस मुर्गे जैसी टांग से तू इन दोनों सीटों के बीच आने जाने के लिए फ्लाईओवर बना रहा है क्या? चल हटा ये फाटक। अरे हटो हटो, सुनो भाई, क्या हुआ? आपने मेरी बीवी को देखा क्या? जिसने लाल साड़ी पहनी है, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थी। नहीं तो। अरे तुझे क्या पता, मैंने उसे गंगू हलवाई के साथ देखा था, अब तक तो भाग गई होगी। क्या कहा भाग गई होगी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। भीड़ कम कर, जाता हूं, बता दीजिए ना, कितना हॉट है बेचारा। तू ही जाकर बता देना, इतनी खुजली हो रही है तो, हॉट लगे तो शादी भी कर ले। मैंने क्या रेलवे इंक्वायरी का ऑफिस खोल रखा है जो बताऊं? ए हां, लग जाता तो किसको? लड़की के ऊपर बैग फेंका। कहाँ है लड़की, कहाँ है? आने वाली है, अभी अभी उसी सीट पर झाड़ू पोछा लगाया है इन्होंने। ये बात। और आने के बाद क्या होगा? पहले तो इन दोनों की आंख लड़ेगी, आंख लड़ने के बाद बात बढ़ेगी, और फिर लव, शादी और हनीमून होगा। माँ वाली बात बता। फिर उसके बाद इसके बच्चे की माँ बनेगी। अबे अकल के गंजे, अभी तो इसने जाल भी नहीं छोड़ा और तू मछली तल के खा रहा है। जाल में मछली फंसने तो दे, मैंने बैग रख दिया है और हम यहीं बैठेंगे, जो करना है कर ले। जब वो आएगी सीट खाली चाहिए, वरना खड़ा नहीं हो पाएगा। तो स्टेशन आने पर ही होगा। कल्टी सुनिए जी, हाँ? जब वो इतनी इज्जत से बात कर रहा है तो उठ जाइए ना। करम जली, मुझे उठने को कह रही है, इस लौंडे को सपोर्ट कर रही है? बता दे कौन लगता है ये तेरा? इतना अच्छा लगा है तो जाकर झप्पी दे दे उसे। सुनिए, उनकी बात मान जाइए ना प्लीज। बीवी मेरी है कि तेरी है? लव एट फर्स्ट साइट हो गया। चुप चुप बोलिए, मेरी भी फैमिली है और ये मेरी बहन जैसी है। कहाँ से आ गई फैमिली? मेरी बीवी तेरी बहन, तो तेरी बीवी भी मेरी बहन होगी या नहीं? बाप रे, अच्छा हुआ मैं अपनी बीवी को साथ में नहीं लाया। चल मेरी लुंगी निकाल। हेलो, हाँ बाबूजी, हम सब ट्रेन से ही आ रहे हैं, अगर आपने कुछ पैसे बचाए होते तो प्लेन से आते, ट्रेन में कपड़े बदलना कितना मुश्किल होता है आप क्या जानो। भाई साहब ये क्या है? कच्चा है, मुंह पोछ ले। है? नहीं बाबूजी, आपको नहीं कह रहा, यहाँ भी एक बेवकूफ बैठा है, फोन रखिए। What?
बबलू को खेलने के लिए चाहिए थी गुड़िया, पर बबलू के नसीब में निकली ये बुढ़िया। राजा 70mm की पिक्चर लगी है, सी एंड एंजॉय। 70mm की पिक्चर लगी है, सी एंड एंजॉय। बंद रख वरना नारियल फोड़ दूंगा। लगता है आप गलती से यहाँ बैठ गई हैं। ये शैलजा की सीट है। I am that Shailaja. भरी जवानी में शैलजा बूढ़ी हो गई। But age is 24 ना। तुम्हें कोई शक है हैंडसम? रेलवे डिपार्टमेंट ने ही मेरी उम्र 74 के बजाय 24 कर दी। लगती हूँ ना मैं कमसिन कली जैसी। शैलजा जी, वैसे रेलवे की सीट इतनी साफ तो होती है नहीं, लेकिन आप बैठेंगी ये पता था इसलिए इसने आपकी सीट पर पूरा झाड़ू पोछा लगाया है। Really? So sweet of you. माफ कीजिए, लगता है मैं गलत सीट पर बैठ गया हूँ। Sorry. क्या आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी दादी? उधर लौंडे कम हैं जो आप वहाँ से उठकर यहाँ आ गईं। You naughty boy. सीट को लेके कंफ्यूजन तुम्हें नहीं मुझे था। This is my seat. दादी कंफ्यूजन बढ़ा रही। दवाई कड़वी है क्या? मैंने इसमें वोडका डालने को कहा लेकिन शॉपकीपर ने गलती से विस्की डाल दिया। Have a sip. नहीं 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 नहीं, मैं अभी तक दूध ही पीने का आदी हूँ दादी। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे एक सिप। It's okay. दादी आप फिर से आ गए? तुम्हें कुछ दिखाना है, चलो मेरे साथ। चलो। क्या क्या भाई साहब? इस तरह अगर फैमिली रिलेशन बनाने हैं तो पूरी फैमिली को साथ लेकर चलना चाहिए, है कि नहीं? अकेले मरने से क्या होगा? अकेले आए हो, दादी को कहाँ छोड़ा है? अपनी बीवी को संभालना। Hey handsome, सुनो 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 ना, कैसी लग रही है? देख नहीं पा रहा हूँ। कैसी है? Superb. तुम बात कर बात कर। Excuse me. Water water कहाँ गई? पानी की बोतल। क्या कर रहा है? डाकू पानी दे, पानी 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 पानी। नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ कुमार, दोस्त मुझे सिद्धू कहकर बुलाते हैं, तुम सिद्ध कह सकती हो। और तुम्हारे पापा का नाम क्या है? कृष्ण राव, उनके बाप का नाम है बाबू राव। तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है? सेम लाइक मी, बी पॉजिटिव। और तुम्हारी हेल्थ कंडीशन? टॉप टू बॉटम टनटनाटन, एक घंटा जिम करता हूँ, दो घंटा तैरता हूँ, छह महीने में फुल बॉडी चेकअप और हर तीन महीने बाद ब्लड डोनेट करता हूँ, परफेक्टली ओके हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है? ये तो इस दादी से भी बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, मजा आ गया। एक्सपीरियंस तो नहीं है, चलेगा तुम्हें? तुम्हारे घर वाले ऑब्जेक्शन तो नहीं उठाएंगे ना? अरे नहीं, वो तो इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे। मैं राजी तो समझो, वो भी राजी हो जाएंगे, नो टेंशन एट ऑल। तुम राजी हो ना? मेरी तरफ से भी ओके है, बस इस पर साइन करना रह गया है। साइन किस लिए? ऑर्गन्स डोनेट करने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है ना, इसीलिए साइन चाहिए। ऑर्गन डोनेशन? वैसे तुम काम क्या करती हो? स्टडीज कंप्लीट हो गई हैं, एक एनजीओ के साथ काम कर रही हूँ एज अ वॉलंटियर। सुना राजा, खा पी के तूने जो सब बढ़ाया है उसे लोगों की भलाई के लिए दे दे राजा, लगा दे थप्पा, लगा दे।
थैंक यू वेरी मच। टारगेट के हिसाब से मुझे 9 लोगों के साइन और चाहिए, तुम पहले हो। 20 बोगी वाली ट्रेन में इतना बड़ा बम मुझ पे ही फोड़ा? कोशिश तो बहुत की थी मैंने, लेकिन ऑर्गन डोनेशन में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। इंटरेस्टेड है ना ये दोनों। आहा। क्यों रे चपड़ गंजू, मरने के बाद क्या प्लान है? मेरी तरफ देखना भी मत, मेरे किडनी में स्टोन है, हार्ट में होल है, ब्लड में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, सारे ऑर्गन्स वेस्ट है। इसका तो जिंदा रहना ही वेस्ट है। ये मयूर भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कर से वर्से भूल ही जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसको डोनेशन दिया था, ये रिजल्ट निकला, 5 बार मैट्रिक की एग्जाम दी, लेकिन अब तक एक बार भी पास नहीं हो पाई। जीजाजी को बहन डोनेट की, दूसरे ही दिन वो भी चल बसा। पड़ोसी को सूट डोनेट किया, उसकी बीवी भाग गई। इसीलिए कहता हूँ मुझसे कुछ डोनेट मत करवाना। इट्स ओके, जरूरी नहीं है। अरे ये क्या, इतनी जल्दी क्यों हार मान गई? ट्रेन में बहुत सारे ऑर्गन्स पड़े हैं। तुम्हारा टारगेट अब से मेरा तुम्हारा टारगेट, मैं अभी ऑर्गन लेकर आता हूँ। अरे उजड़े चमन सुन, ये जो रोमियो का भतीजा है ना, ये जूलियट का टारगेट अचीव करा देगा, ताकि उसका टारगेट भी अचीव हो। शैलेजा जी, हिलता डुलता पुर्जा मिल गया, शीज माई दादी। नमस्ते। यू आर ब्यूटिफुल। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ट्रेन कुछ ज्यादा हिल रही है ना। सुनो ए टकलू, ये जिसे भी ऑर्गन डोनेट करेगी वो यूं ही हिलता रहेगा। अरे क्या बोल रहे हैं, छोड़ो ना इस लुखे पर ध्यान मत दो। शैलेजा जी, मेरी दादी इस नेक काम के लिए रेडी है। बड़ी आई नेक काम करने वाली, किसी को डोनेट करने के लिए इसके पास बचा ही क्या है? कंकाल को कपड़ों से सजाया है, टोपी के नीचे तो कुछ होगा भी नहीं। यू फूल, ओए हैंडसम, ये दोनों मिलकर खिचड़ी पका रहे हैं, मैं इसे कंट्रोल कर लूं। दादी चढ़ी हुई उतर जाएगी, बैठ जाइए। आप डिटेल लिख लीजिए, मैं दूसरा बकरा ढूंढ के आता हूं। रुको। हां स्मार्ट है, बॉडी भी स्ट्रांग है, चलो फॉर्म भरना शुरू करो। अगर हार्ट इतना ही वीक है तो इतनी स्ट्रांग लेडी से पंगा क्यों लिया? बढ़िया स्ट्रांग नहीं, दवा दारू स्ट्रांग है, मौका देखकर चौका मारना पड़ेगा। ट्रेन से उतरने के बाद नहीं तो क्या, घर पहुंच के पूनम के चांद। हेलो, हाँ जीजा जी बोलिए। तुम्हारी दीदी कह रही है कि जब तक तुम नहीं आओगे वो केक नहीं काटेगी, कब तक आ रहे हो? मैं ऑलरेडी ट्रेन में ही हूँ। साले साहब, इस बार कोई तोहफा वोफा लेकर आ रहे हो कि नहीं, या हर बार की तरह इस बार भी खाली हाथ आ रहे हो? दीदी के लिए मैं भाभी ला रहा हूँ। जीजू क्या कहा, क्या ला रहे हो? अभी मैं सोशल वर्क में बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। अरे सुनो तो। जानी जानी। यस पापा। ईटिंग शुगर? नो पापा। टेलिंग लाइज? नो पापा। ओपन योर माउथ? हा हा हा। इतनी जल्दी बेटा भी हो गया? ए चुप रे। सुनो मैडम, ये बिल्कुल रेडी है, फॉर्म भरो ना। हा? इसकी डिटेल्स क्या है? तुमसे बड़ा दिल है इसका, बच्चा उसे भी डोनेट करने के लिए रेडी है। हा? ये क्या, अब ये इससे ऑर्गन डोनेट करवाएगा? इतना भी नहीं जानता, अभी इसकी बॉडी ठीक से फॉर्म भी नहीं हुई। इसका इतू सा दिमाग होगा, इतू सी किडनी होगी, इतू सा लीवर होगा, इतू सा हार्ट होगा, सब कुछ छोटा सा। ये छोटा छोटा मैडम के क्या काम आएगा? चुप रे काली जुबान, मैडम डिटेल लिखिए ना। देखो पहले पूछो तो इसे अपनी मम्मी का नाम भी पता है। नाम ही क्या, स्पेलिंग भी बोलेगा। तो पूछो बेटा, मम्मी का नाम बोलो। मम्मी का नाम मम्मी। देखा, मैंने तो कहा ही था इसकी मम्मी का नाम है मम्मी, डैडी का नाम बोलेगा डैडी। इस मासूम से ये सब करवाना ठीक होगा क्या? ये क्राइम नहीं होगा? तुम्हारी भयानक शक्ल देखकर बेचारा डर गया है, और मत डराओ उसे। डरा नहीं रहा, उसे बचा रहा हूँ। सिद्धार्थ वो एक सेकंड रुको, आइसक्रीम चॉकलेट टॉफी जो मांगोगे मिलेगा। एक बार मम्मी का नाम बताओ। एक्चुअली बच्चे ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस मासूम बच्चे को इस कसाई से बचाने के लिए। देखा ना टकलू, इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए ये बुढ़िया को मार रहा है, बच्चे को दाव पर लगा रहा है। चले बच्चे, जहाँ से आया था वहाँ वापस जा। चल मम्मी बचाओ। कहा था सारा मुंह बंद रखना, रुला दिया बच्चे को। गोलू क्या हुआ, किसी ने मारा तुझे? बहन जी, आपके गोलू को मैंने बचाया है, इसकी बलि चढ़ा देता इसे पटाने के चक्कर में। ये कीड़े पड़ेंगे तुझे, लड़की पटाने के लिए बच्चे का सहारा लेता है। ऐसा क्यों कह रही है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब ये बिना गाना सुने चुप नहीं होगा। कोई इस बच्चे को चुप करा सकता है क्या? ए तूने रुलाया ना, तेरी ड्यूटी बनती है। चल मेरा तो मौन व्रत है, इसी से कहो गाना गा के चुप कराए। जरूर गाऊंगा, 2 बार मुझे प्राइज मिल चुका है। पता है 2 प्राइज किस लिए मिले होंगे? एक गाना शुरू करने के लिए और दूसरा प्राइज गाना बंद करने के लिए। सर मैं बात करूं? सिद्धार्थ गाना गाओगे प्लीज, जल्दी करो शायद चुप हो जाए। चला जा। सारे सुर रेडी है। अबे चुप कर। ये देखो जरा इस बच्चे की हालत देखो, मुंह इतना खुल गया इसमें पूरा लड्डू चला जाए। बेचारा, लड्डू पे मक्खियां भी भिन भिना रही हैं। ए मुंह में कुछ नहीं है रे। कुछ नहीं है तो खिलाना लड्डू। बहन जी खड़ी क्या है, ले जाइए इसे। एक्सक्यूज मी, बच्चे के मुंह में छेद हो गया था पूरा 2x2 का। टिकट दिखाइए। ए भैया थोड़ी देर पहले नहीं आ सकते थे? कब से इसके अत्याचार सह रहा हूँ, हमें कहीं और सीट दिलवा दो, हम चले जाएं। अपना टिकट दिखाइए। ए टिकट निकाल यार, तेरी टिकट मेरे पास कैसे होगी? कच्चे की जेब में पड़ी है, ला दे। अब जल्दी से जल्दी हमें दूसरी सीट दिलवा दीजिए। सीट चेंज नहीं हो सकती, ऑलरेडी डेट चेंज हो चुकी है। तो ये कल का टिकट था। 3000 की पेनल्टी भरनी होगी।
जल्दी लाओ। मेरे पास सिर्फ 200 रुपए हैं। तेरे पास पैसे हैं तो देना। चलो डेट नहीं देख सकती ट्रेन से। पुलिस को बुलाता हूँ मैं, नहीं तो शकल से भिखारी लगता है। चलो अभी। क्या भैंसे की तरह बैठी हो? जा जा जल्दी जा। अच्छा तो ले लो, डालो इसे बैग में। ये सब तेरी वजह से हुआ है मनहूस। ए लाउडस्पीकर रुक। हाँ बोल। सुबह से तेरी नौटंकी देख रहा हूँ। क्या दादी आई थी तो तुझे प्रॉब्लम थी, बच्चे को लाया तो प्रॉब्लम। ए तू मेरा सगा बाप लगता है? नहीं तो मेरा मामा लगता है? बिल्कुल नहीं। मेरा दोस्त लगता है? नहीं। क्या प्रॉब्लम है? फ्लर्ट क्यों कर रहा था तू? फ्लर्ट करूं या लेके भागूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? लड़की को मैं पटाना चाहता था। बगल में बीवी होते हुए लड़की पटाएगा ठरकी साले तुझे तो। रुक जा हैंडसम, रुक जा। इस क्रैक का स्क्रू तो मैं टाइट कर लूंगी। तेरे साथ जो लड़की बैठी थी वो उस गेट की तरफ गई। वहाँ जा जल्दी जा, नहीं तो। हाँ लेकिन इसे छोड़ना नहीं। हाँ क्यों रे, हीरो बनता है। मैडम मेरा कॉलर छोड़िए। वरना क्या कर लेगा? पहले छोड़िए तो। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूं। कह दो, इतना क्या सोचना। मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो ना? ऐसा नहीं है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं पसंद हूँ तुम्हें। हाँ? पसंद हो? तुम्हारा बिहेवियर पसंद है, तुम्हारा नेचर भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सच तो ये है कि कोई भी लड़की तुम्हें पसंद तो करेगी। रिश्ता मंजूर समझो। एक्चुअली मेरे मन में प्यार जैसी कोई फीलिंग नहीं है। तुम शादीशुदा हो? हाँ? नहीं हूँ। कोई बॉयफ्रेंड? लिव इन रिलेशन? इन में से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो फिर टेंशन नहीं, तुम्हारे गले में मेरा मंगलसूत्र पक्का। इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो? डेस्टिनी। प्लेटफॉर्म पर जिस लड़की को देखा वो गायब हो गई, लगा जैसे किस्मत रुट गई हो। सेम लड़की आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठती है। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों में बातें हों। शुरुआत वही करती है। इट इज क्लियरली डेस्टिनी, वी आर मेड फॉर ईच अदर। इट्स नॉट अ डेस्टिनी, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। जर्नी खत्म होते ही हम दोनों कहीं और होंगे। ना, तुम चाहो या ना चाहो हमारा मिलन तय है। पेन देना। ये लो मैं। जा। उस बुक पर मैंने अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। जिस दिन किसी भी तरह ये बुक तुम्हारे पास आ जाएगी उस दिन मैं डेस्टिनी को मान लूंगी और तुम्हारे बारे में जरूर सोचूंगी। एक्सक्यूज मी। फिक्र नॉट हैंडसम, तुम्हारा फ्यूचर उसी लड़की के साथ है। ये इस ग्रैंड मदर का आशीर्वाद है। मेरा कोई प्रॉमिस फेल नहीं होता। माय ब्लेसिंग्स आर विद यू। बी पॉजिटिव माय बॉय, बी पॉजिटिव। हैं? मेरी विस्की मुझे याद कर रही है। मिनिस्टर साहब प्लीज ये फाइल देख के साइन कीजिए। पीआर? अरे ये फाइल अपने पास रखो, इस पे बाद में साइन कर लेंगे। वो देख पीछे पीआर आ रहा है। गाड़ी साइड में लो, गाड़ी साइड में लो, चलो। मिनिस्टर साहब आप हाथ जोड़ रहे हैं? कौन है वो? कलेक्टर साहब आप नए आए हैं। वो बहुत ही जबरदस्त आदमी है, पॉलिटिकल किंग मेकर। मामूली आदमी को मिनिस्टर बना सकता है, मिनिस्टर को मामूली आदमी बना सकता है। ऐसा? वो बंगाल का सबसे पावरफुल आदमी है, पता है?
इन्हीं की वजह से आज मैं मिनिस्टर हूँ और हमेशा रहूंगा। हाय जीजू। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे घर पधारे। लेडीज के साथ आने वाले थे, लेडीज पर्स लेकर आ गए। कैसी लगी? आहा, एकदम ट्रेडिशनल लग रही है। ट्रेडिशनल क्यों कह रहे हो, मॉडर्न नहीं लगी? अरे जो देख रहा है वही तो बोलूंगा ना। इतने महीने बाद भी बेवकूफ के पहले अपनी दीदी से मिलो। आहा तुम रुको, पहले अपना दायां पैर अंदर रखो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लक्ष्मी। लक्ष्मी, आहा साक्षात लक्ष्मी हो, बल्कि मेरे घर की भी लक्ष्मी हो। मुझसे पहली बार मिल रही हो ना, लो मेरी तरफ से ये गिफ्ट रखो। नो 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 नो, आहा प्लीज मना मत करना, मुझसे ज्यादा तुम पे जचेगा। इतने बड़े शहर में उस लड़की को कैसे ढूंढोगे? कोइंसिडेंस सिर्फ फिल्मों में होता है। मैं उसे पटाके ही रहूंगा। सुरेखा सुरेखा, लक्ष्मी बाहर खड़ी है, उसका स्वागत नहीं करोगी? तो क्या आरती से उसका स्वागत करूं? और क्या, ननद हो तो भाभी का स्वागत तो करना पड़ेगा। वो घर की लक्ष्मी नहीं, नौकरानी है। नौकरानी है? हाँ, आज से ही काम शुरू करने वाली है। बाप रे, तब तो गड़बड़ हो गई। कैसी गड़बड़? मैंने उसे तुम्हारे भाई की लवर समझकर एक छोटा सा गिफ्ट दे दिया। गोल्ड चेन वापस दिला दो। पागल आदमी, हमेशा ही ऐसा करते हैं। दीदी टेंशन काई को ले रही हो, वो ओरिजिनल गोल्ड नहीं था, नकली था। वो नकली था? जब यहाँ हॉस्टल में था तब दोस्तों को पार्टी देने के लिए आपकी चेन बेच दी थी। यानी पिछले 5 साल से नकली को असली समझकर पहन रहा था। अच्छा ये बता, ट्रेन वाली लड़की भी गोल्ड चेन की तरह नकली तो नहीं है? वो असली है ना? और हाँ, अभी वो लड़की कहाँ है? उसे तो ढूंढना है। मतलब तुम्हें उसका एड्रेस भी नहीं पता? वही पता लगाना है। पर पता कहाँ लगाएगा? उसके एड्रेस पे। शैलजा को ढूंढते ढूंढते आज पूरे 3 दिन हो गए। क्या भाई, सुबह से लेके शाम तक उस लड़की को ढूंढ रहे, आज 3 दिन होने आ गए। लड़की इसी शहर में रहती है ना? लल्लू कहीं तो रहती होगी। डेस्टिनी, किस्मत में जब लिखा होगा तो सामने आ जाएगी। चोर साहब, क्या चुरा के भाग रहा है? कुछ नहीं सर। ये क्या है? चुराया है सर। पैदल भागे गया गाड़ी में? दिमाग नहीं है क्या? पब्लिक प्लेस में चेन चुराता है, भागने के लिए पहले साइकिल तो चुरा लेता, भागने में आसानी होती। गुरुजी, बोल। आप तो बहुत महान हो गुरुजी, आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पकड़ो उसे, वो चोर है। कहाँ भाग रहा है वे? गुरुजी जाने दीजिए ना मुझे। चोरी करता है साले। ए, पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए था ना, चेन स्नैचर बन गया। जानती हो चोर बाजार जाकर ये तुम्हारी चेन बेचने वाला था। और मारो इसे। चल 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 जा। ए मैडम, अकल नाम की चीज नहीं है क्या? गोल्ड चेन पहन के कोई पार्क में आता है, हम कोई सिक्योरिटी गार्ड है क्या? क्या है? यही तेरी भाभी है। वो यही है। इस गधे की बात का बुरा मत मानना, आपने मुझे पहचाना ना? ट्रेन डेस्टिनी। हाँ हाँ, मुझे सब कुछ याद है। उस दिन ट्रेन में चोर की वजह से अलग हुए, आज चोर नहीं मिलाया, इसी को डेस्टिनी कहते हैं। इसे नहीं कहते डेस्टिनी। वो बुक मिल गई तुम्हें? वो बुक कहाँ ढूंढू उस बुक को? शैलजा जी, जब से तुम्हें देखा है पता नहीं मुझे उस दिन से क्या हो गया है, सोते जागते तुम ही दिखती हो। वो जा रही है। चद्दर तकिए पर, कार की डिक्की से लेकर प्रेशर कुकर के ढक्कन में। अरे पीछे घूम के देख, वो जा चुकी है। हाँ। अरे बाप रे, भूकंप आ गया। मेरा सर। जीजू, चाकू है, केक है, किसका इंतजार है? हैप्पी बर्थडे कर। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ साले, पहले जाके अपनी दीदी को मना। ये भूकंप कैसा? केक कौन से फ्लेवर का है? फ्लेवर छोड़, भूकंप की असली जड़ यही है। स्वीटी, क्या कहा? ये स्वीटी स्वीटी कौन है? सुबह से तेरी बहन भी तो यही सवाल पूछ रही है मुझसे। एक सेकंड, कुछ तो कंफ्यूजन है। आवाज नहीं आ रही, कहीं सिलेंडर उठा के तो नहीं आ रही है? सुन चंपक, ये मेरे केक पे तूने स्वीटी का नाम क्यों लिखा है? सर आपका केक किसी और के घर चला गया गलती से। अबे तेरी गलती की वजह से मेरी दीदी जीजू का मर्डर करने वाली थी, जल्दी से स्वीटी का एड्रेस मैसेज कर। अभी करता हूं। ओके। हेलो शैलू, मैं बस तुझे फोन ही करने वाली थी, मुझे एक अर्जेंट मेल भेजना है। ओके, जो केक मैंने ऑर्डर किया था वो आ भी गया है, मैं पार्टी में टाइम पर पहुंच जाऊंगी। हाँ सुन ना, मैं क्या कह रही हूँ, पार्टी के लिए मैं अभी स्वीटी को नहला के तैयार ही कर रही थी, तब देखा कि बेचारी की बॉडी पर रैशेस हो गए हैं, शायद फीवर भी है। सुन तू टेंशन मत ले, जैसा कहती हूँ वैसा कर। तुम यहाँ? तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूँ? हेलो, तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ। अच्छा ठीक है, लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ रख दिया, अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो।
टी-शर्ट उतार दी। ओके, अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे ये कैसे होगा? अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, अब पीछे से पिंच करो। क्या, ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर, अरे कर ना, अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर, कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। वो तुमसे नहीं, फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी, देखो पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले, और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है, इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। देखो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मैं ये शहर छोड़ रही हूँ, लाइफ लॉन्ग दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन शैलजा, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अरे सिद्धार्थ मेरी बात तो सुन, तू उससे इतना प्यार करता है, उसने तुझे एक बार मना किया और तू जा रहा है? उसे मनाने की कोशिश करो ना। मैंने उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, घर पहुँच कर फोन करूंगा। अरे सिद्धार्थ सुनो तो, कैसा लड़का है ये? क्या है शैलू, ट्रेन का टाइम हो रहा है तू अब तक तैयार नहीं हुई? अगर वो यहाँ आया और मैं नहीं मिली कौन? तो वही सिद्धार्थ, मेरे जाने के बाद वो मुझे पागलों की तरह ढूंढेगा। शैलू तुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ शायद, मुझे लगता है उसके प्यार में सिंसेरिटी है। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो स्टेशन पर जब उसने मुझे देखा उससे पहले ही मेरी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि सिर्फ वही मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठे, और ऐसा ही हुआ। जिस तरह वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था मुझे अच्छा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए उसका इतना कंसर्न होना, उसने तो मुझसे मेरा दिल ही जीत लिया। जब उसने मुझे ट्रेन में प्रपोज किया मैं बहुत खुश हुई। डर था कि फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन फिर पार्क में मुलाकात हो गई, और फिर वो दिन जब हमारे केक्स एक्सचेंज हो गए। लेकिन पापा के बारे में सोचती हूँ तो सिद्धार्थ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, डर सा लगा रहता है। क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी? कमाल है, जब वो तेरे सामने था तो खुद ही उसे भगा रही थी, और अब जब नहीं है तो मिलने के लिए तरस रही है। अगर वो इतना ही पसंद था तो पहले ही बता देती, दी एंड हो गया तेरी लव स्टोरी का। What is this man? तुमने मुझे विंडो सीट प्रॉमिस किया और अब सेंटर में बिठा रहे हो? मुझे विंडो सीट ही चाहिए, विंडो। बैठ जाइए माता जी, प्लीज बैठ जाइए। नो, मैं सिर्फ विंडो सीट पर ही बैठने वाली। मेरा हैंडसम, ओए हैंडसम, मेरा हीरो, कैसे हो तुम? आप कैसी हैं दादी? Oh, I'm very fine. That's nice. तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो कहाँ गई, वो लड़की? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारी फिर मुलाकात नहीं हुई? I don't believe it. वो सिर्फ वन साइडेड लव था, दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताओ exactly क्या हुआ था? ये बुक आपको कहाँ से मिली? किसी बुक स्टॉल से मिली। दादी माँ, इसी बुक पर तो उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। सच में? फिर देरी किस लिए, जा फोन कर उसे। थैंक यू दादी। हेलो, ये शैलजा का नंबर है? हाँ, आप कौन? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ शैलजा। सिद्धार्थ तुम? हाँ वही डेस्टिनी वाला सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद है ट्रेन में उस बुक में तुमने नंबर लिखा था? वो बुक मेरी डेस्टिनी में थी और मुझे मिल चुकी है। कहा था ना तुम्हारे गले में मेरा ही मंगलसूत्र होगा। हेलो, तुम सिद्धार्थ बोल रहे हो? आप कौन है? मैं शैलजा की फ्रेंड बोल रही हूँ। अरे पूछ की इस वक्त कहाँ पर हो तुम? फूल सजाने में मेरी मदद करो ना। कर तो रही हो ना। लो वो दोनों भी आ गए। कितनी देर लगा दी आने में?
लगता है यही। दीदी, जीजा जी। नमस्ते, नमस्ते। जितना इसने बताया और मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। दीदी कहो ना। ये मत समझना कि मैं भाई की तारीफ कर रही हूँ, ये 26 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, इतना छोटा है कि बोतल से दूध पीता है। मेरे जीजू थोड़े मजाक किया है, सीरियसली मत लेना। वो साड़ी कहाँ है? कौन सी? जो कल शैलजा के लिए खरीदी थी। अच्छा, वो कहाँ है? घर पर है। हे भगवान, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। सिद्धू, तुम घर जाके ले आओ। रहने दीजिए, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत है। तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? सिद्धू, जा जल्दी लेके आ। ठीक है, तू रहने दे। हाँ, आप अपनी स्पीड से जाएंगे तो रात से पहले नहीं पहुँचेंगे। ए, आराम से जाना। हाँ, ठीक है ठीक है। मेरी भूलने की आदत से सबको परेशानी हो जाती है। ये सिद्धार्थ को बहुत पसंद है। रोको उन्हें! ए, रुक जाओ! ए, गाड़ी रुको! शैलजा! रुक जाओ! छोड़ो उसे! रुक जाओ! छोड़ो उसे! सिद्धू, शैलजा को उसके पापा ने ही किडनैप करवाया। तुम्हें हम सब की बातों पर विश्वास नहीं था, तुम्हारा दोस्त बता रहा है, अब यकीन हुआ? पापा, लेकिन मैं उस... बस, लड़की अच्छी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके घर वाले शरीफ नहीं है। फिर भी अगर उसे रिश्ता रखना है वो तुम्हारी मर्जी। अब तक मैंने खुद को बुराइयों से दूर रखा, लेकिन अब शायद मुझे अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। अब तुम्हें तय करना है, अपने माँ बाप चाहिए या फिर अपना प्यार। मुझे दोनों चाहिए। ऐसे ही झगड़ों की वजह से मैंने अपना बड़ा भाई खोया, मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ा। अब तुम्हारा जीजा अपने जीवन के लिए लड़ रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए वो लड़की इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं, तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, भूलना होगा, भूलना होगा। 3 महीनों तक सिद्धार्थ ने शैलजा की तलाश की मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन बस करिए बाबू। मैंने अपने बेटे को वचन दिया था कि मैं उस कमीने को मार डालूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए खुद को सजा दे रहा हूँ। मारो मुझे। छोटे मालिक को मारने वाले के बाइक का नंबर मिल गया है, बहुत जल्दी एड्रेस भी मिल जाएगा। मुझे उस कमीने का एड्रेस नहीं चाहिए, लाश चाहिए उसकी। शादी करा रहे हैं। हेलो हेलो, शैलजा सुनाई दे रहा है?
हेलो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ हेलो सिद्धार्थ, मुझे घर में कैद करके रखा है, मुझे बचा लो प्लीज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ लगा दी इस कमीने ने। मुझे लगा था कि सर्कस का शेर है, निकला जंगल का राजा। दिमाग से हराना होगा भाई, मुझे उसकी फैमिली फोटो मिली है। इन सब में से वो सबसे ज्यादा किसे चाहता है? वो जो बीच में बैठा है ना, वो उसका बाप है, वो उसे बहुत चाहता है। तो फिर इसी को मार डालते हैं। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये सब कैसे हुआ? सुबह जॉगिंग करते समय उनका एक्सीडेंट हो गया। एक भले आदमी ने उनकी मदद की, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। अब ठीक है ना पापा? मौत के मुंह से निकल कर आया हूं। आपको कुछ नहीं हो सकता। क्या गारंटी है? मेरी बात मानो और उस लड़की से शादी कर लो। मौत से कब तक डरता रहूंगा? अब और नहीं, कहीं तुम्हारी शादी देखे बिना ही न मर जाऊं।
ऐसी बात मत कीजिए, आप जिससे कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। सच में? आपकी कसम पापा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा सिद्धार्थ, भैया को बचाने वाले को काफी चोट आई है, वो बगल के वार्ड में है, जाके उससे मिल लो। अभी जाके मिलता हूं। एक्सक्यूज मी, हे साले तू यहां क्या कर रहा है? शांत रहो, कौन हो तुम बेटा? आपने जिस कृष्णराव की जान बचाई मैं उन्हीं का बेटा हूँ। ओह, तुम्हारे पापा ठीक तो है ना? वो ठीक है, और आप? ठीक हो। पापा, इसी कुत्ते ने मुझे मारा। अर्जुन शांत रहो। सर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ, इसकी ही गलती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ही कुछ करता। ओ अच्छा, सब मेरी गलती थी, इसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा, मेरी बात और इसी कमीने की वजह से मेरी शादी भी टूट गई। शांत हो जाओ अर्जुन। क्या हुआ था सर? कुछ खास नहीं, अब तुम जाओ। इसे बताते क्यों नहीं? शांत रहो। ये क्या भाई, एक्सीडेंट की वजह से हमें कितनी प्रॉब्लम हुई इसे पता होना चाहिए। प्लीज मुझे बताइए सर। पीआर नाम का मेरा एक दोस्त है, उसकी बेटी और मेरा बेटा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों की शादी तक होने वाली थी, पता नहीं क्या हुआ, पीआर ने बेटी की शादी चीफ मिनिस्टर के बेटे के साथ तय कर दी। पीआर की बेटी खुदकुशी करने की बात कर रही है। मैं वो शादी रुकवाने जा रहा था, लेकिन सब उल्टा हो गया। बीच रास्ते में ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बचाऊं, तुम ही बताओ। हमारे किसी आदमी में इतना दम नहीं कि पीआर से टक्कर ले सके, सिवाय भाई जी के, लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से इनका एक्सीडेंट हो गया। अब समझ नहीं आ रहा ये काम किसे सौंपे। मैं उसे लाऊंगा, ये बच्चों का खेल नहीं है। पीआर की मर्जी के बिना वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पीआर से उलझना मतलब मौत को बुलावा देना। पीआर हो या उसका बाप, प्रॉब्लम मुझे नहीं, उसे होने वाली है। क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? आपने मेरे पापा की जान बचाई, मैं आपका मान बचाऊंगा। आप शादी की तैयारी कीजिए, लड़की को मैं ले आऊंगा, ये मेरा वादा है। प्लान तो अच्छा है भाई, लेकिन काम करेगा क्या? 100% काम करेगा। वो एक असली मर्द है। पीआर कोबरा है तो वो बाज है, पीआर बाघ है तो वो शेर है। पीआर बीच में आया तो ये उसे कुचल देगा। मैंने कहा था ना, उसे दिमाग से हराना होगा। देखना, उस लड़की को यहाँ लाकर मेरे बेटे से शादी कराएगा। सीएम को संधि बनाते ही तुम्हें मेरी पावर नजर आएगी चटर्जी, पूरे बंगाल का शंशा बन जाऊंगा, सारे मंत्री मेरे दरबार में माथा टेकेंगे। ये है पीआर। शैलजा कहाँ है? मैडम रूम में सर। शैलजा, नमस्कार सर, मेरा प्रमोशन। सीएम से बात करूंगा, हो जाएगा। थैंक यू सर। ठीक है। टार्जन। हाँ भैया। उस पर नजर रखना, दो बार पहले भी भागने की कोशिश कर चुकी है, अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे, किसी पर थोड़ा भी डाउट हो, खत्म कर देना। हाँ, फिक्र मत करो भैया। देखो सिद्धार्थ, तुम फ्रेंड के फ्रेंड हो इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें शायद पीआर की पावर का अंदाजा नहीं है। किसी और के लिए अपनी जान खतरे में मत डालो। खतरे से खेलना मेरी आदत है, मुझे कुछ नहीं होगा, पीआर की बेटी को ले आऊंगा, ये गारंटी है। पीआर का छोटा साला नंदू मेरा पेशेंट है, इसलिए जानता हूँ कि वो फैमिली कितनी खतरनाक है। पीआर का साला कौन है वो? इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसे मरे हुए इंसानों की आत्माओं से बात करने का शौक है। पीआर की वाइफ का लाडला है ये, इसीलिए ट्रीटमेंट के लिए इसको मेरे पास भेज दिया।
उनसे कहो इसका इलाज हो जाएगा। क्या बात है डॉक्टर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? एक ट्रीटमेंट है जिससे आपका भाई पूरी तरह ठीक हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? जनरली ऐसे केसेस में अगर हम पेशेंट को यकीन दिला दें कि हमें उनकी आत्माओं से बात करने की स्पेशल पावर पर यकीन है तो वो पॉजिटिव होकर ठीक हो सकते हैं। ये डॉक्टर सिद्धू मेरा फ्रेंड साइकियाट्रिस्ट है। जब नंदू किसी आत्मा को बुलाएगा तो ये आत्मा बनके उससे बात करेगा। आपको और आपके घर वालों को इसे ना देखने की एक्टिंग करनी होगी, तब जाके नंदू को यकीन होगा कि वो आत्मा से बात कर रहा है, फिर वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अपने भाई के लिए मैं कुछ भी करूंगी डॉक्टर साहब। विपिन सुनो, नंदू को लेकर आओ। कैसे हो नंदू? मैं आत्मा को छोड़ के किसी से बात नहीं करता, इसलिए तो तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम किसी भी आत्मा से बात कर सकते हो। डॉक्टर, एक पप्पी तो लेकर ही रहूंगा। बैठ नीचे। ठीक है, बैठ गया। इसे अपने सामने रखो। बर्फ का गोला? ये आत्माओं को बुलवाने का फोन है। पर नंबर का है? अरे इसमें का क्या? वॉइस कॉलिंग वाले फीचर्स हैं। बस दूंगा तो इसमें से आत्मा निकलेगी, लेकिन पर्सनल लेवल पे मैं किसी आत्मा को नहीं जानता। फेसबुक पर इसने तुम्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। ये हैंडसम जिंदा है या मुर्दा? ताजा ताजा मौत हुई है, जवानी में मरा, इसलिए स्मार्ट लग रहा है। गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई इसलिए सुसाइड कर लिया। इसका नाम सिद्धू है, चाहो तो बात कर सकते हो। क्या मस्त आत्मा ढूंढी है, मैं उसे अभी बुलाता हूं। हां बुला। मेरी अच्छी आत्मा सिद्धू, प्लीज यहां आओ। यस कम ऑन सिद्धू, मैंने तुम्हारा नाम डायल किया है, मेरे नेटवर्क एरिया में आ जाओ। तुमने मुझे बुलाया नंदू? ये आपने सच कहा, मेरा नया फ्रेंड आ गया। मैं सिर्फ अपने सच्चे दोस्तों को ही दर्शन देता हूँ। दीदी देखो ना, वो आत्मा मुझे बात कर रही है। पर मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। आप नहीं सुन सकते, सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। अब तू हैप्पी है ना? वेरी वेरी हैप्पी। चल फिर घर चलते हैं। तुम भी चलो ना। दोस्त को याद कर, मैं आ जाऊंगा। बाय बाय सोलमेट। चल नंदू घर चलते हैं। हाँ चलो चलो घर चलते हैं। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू डॉक्टर। एक पप्पी दे दे। चलो चलो बाय बाय बाय। इसको लेके जा, घर ले जा। चल जा, भाग यहां से। थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते मैडम। हाँ, छोटे मालिक को क्यों लाई? आपसे नंदू घर में ही रहेगा, जब वो कहे आत्मा से बात कर सकता है तो तुम सबको उसकी हाँ में हाँ मिलानी होगी। जैसे ही वो ठीक होगा, बाबू हटेला की बेटी से उसकी शादी करवा देंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। आज नंदू का डॉक्टर सिद्धार्थ घर पे आने वाला है, जब वो आए तो उसे अंदर आने देना, समझ गया? ए पप्पू फुग्गू गुलबिया बिपिन, जल्दी आओ जल्दी आओ, सब लोग इधर आओ। ए कौन है तू? ए शिवा, एक मिनट रुक रुक, अम्मा जी ने इसी डॉक्टर को बुलाया था। हाँ ठीक है, जाओ अंदर, आओ मेरे साथ। सिद्धू मेरी प्यारी आत्मा, चलो बाहर आ जाओ। कौन सी आत्मा की बात कर रहे हो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। आ जाओ भाई, देखो आत्मा तो आ गई। ए ये आत्मा सिर्फ मुझे ही दिख सकती है। बोल गया, हम लोगों को आत्मा नहीं दिखती है। आपने सच कहा, हमें तो कोई नहीं दिखाई दे रहा छोटे मालिक। ओके ओके, तुमने मुझे बुलाया नंदू। ए गुंडा पार्टी। हाँ छोटे मालिक, अभी इनसे मिलो। ये सिद्धू मेरी आत्मा फ्रेंड। कौन सी आत्मा मालिक, हमें तो नहीं दिखाई दे रही। अरे कैसी बात करता है ब्लडी फुल, ये सिर्फ मुझे दिखाई देती है। आओ मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ। चलो, इतने बड़े घर में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आत्मा को सब पता होता है ना। हर आत्मा का जीके अलग होता है। ऐसा क्या? जूस। थैंक यू। आप भी लीजिए ना बाबूजी। ये क्या कर रही हो, ये तो सिर्फ मुझे दिखाई देता है, तो तुम जूस कैसे दे सकती हो इस आत्मा को? ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। अभी तो तुमने सामने किया था। माजी ने कहा था कि आपके साथ कोई आत्मा आने वाली है, इसलिए मैंने बिना देखे हाथ बढ़ाया। ओके ओके, दे दो दे दो। अरे बाप रे बाप, गिलास कैसे हवा में उड़ रहा है। सच में? महिमा जी मैम साहब, छोटी मालकिन का खाना तैयार हुआ? तैयार है, बस अभी लाई। जल्दी लेकर आ। एक बात पूछूं, ये छोटी मालकिन कौन है? अच्छा वो मेरी भांजी है, कुछ दिन पहले अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी, इसलिए उसे रूम में लॉक करके रख दिया है, और बाहर सिक्योरिटी भी है। एक बार उससे मिल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, मेरे अलावा उस रूम में कोई नहीं जा सकता। लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। करेक्ट बोला। आ जाओ, चलो अंदर आ जाओ। भांजी तुम इतनी शौक क्यों दिखाई दे रही हो? ओहो, मैं हॉस्पिटल से घर आ गया हूँ, ये तुम्हें नहीं पता था ना। और जानती हो मेरे साथ कौन आया है? मेरी आत्मा फ्रेंड सिद्धू। तुम उसे नहीं देख पाओ। ये क्या टॉर्चर नहीं था? अगर इसने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे फिर से हॉस्पिटल पहुँचा देगा। चलो चलो, तू जा, मुझे नहीं देख सकता। सही कहा सही कहा, मैं निकल लेता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने तुमसे मिलने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी, कितना डर गई थी मैं। I love you सिद्धार्थ।
शैलजा, ये पीआर? वो मेरे पापा हैं। तो बाऊजी तुम्हारे क्या लगते हैं? बाऊजी के बारे में तुम्हें कैसे पता? लगता है उसने तुम्हें धोखे से यहाँ भेजा है। कई साल पहले वो मेरे पापा के साथ काम करता था। जब उसने थोड़े पैसे कमा लिए तो मेरे पापा से अपने बेटे के लिए मेरा हाथ मांगने लगा। उस दिन मेरे पापा ने सबके सामने उसकी बहुत इंसल्ट की और तब से पापा से बदला लेने के लिए वो मेरी शादी करवाने के लिए चालें चलता रहता है। सिद्धार्थ, पापा चीफ मिनिस्टर के बेटे से मेरी शादी करवाने का प्रॉमिस कर चुके हैं। मैं तुम्हें ये सब बातें फोन पर बताने वाली थी, लेकिन मेरे पापा ने मुझसे मेरा फोन छीन लिया। तुम टेंशन मत लो, ये शादी नहीं होगी। तुम समझते क्यों नहीं, मेरे पापा तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सिद्धार्थ, है तू? आपकी बेटी का प्यार, इस घर का दामाद। एक शरीफ आदमी हूं, इसीलिए आपको कहकर उसे ले जाने आया हूं। ए, तू जिंदा अंदर आ पाया? क्योंकि तेरी किस्मत अच्छी थी, अब तेरी लाश ही जाएगी यहां से। अच्छा, मुझे मारेंगे? मुझे मारना इतना आसान नहीं है, जब चाहूं यहां से फुर हो सकता हूं। तूने शेर की मांद में हाथ डाला है, अब यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। मुझे रोकने की हिम्मत तो किसी में नहीं है, मैंने ठान लिया तो तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ससुर जी, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है, वो किसी और की हो ही नहीं सकती। चुपचाप बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो, उसी में भलाई है। ए, बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है, अपने लकी नंबर की गाड़ी चुन ले। मेरी गाड़ी के पेट्रोल टैंक हमेशा फुल रहते हैं, जितनी रफ्तार से गाड़ी भगा सकता है भगा। मेरी गाड़ी का नंबर देखकर कोई पुलिस वाला नहीं रोकेगा। आज शनिवार है, बहुत शुभ दिन है, मुहूर्त भी अच्छा है। अगर तेरा प्यार सच्चा है, तुझमें हिम्मत है, तो मेरी बेटी को शहर से बाहर ले जाकर दिखा। क्या बात है ससुर जी, इतना अच्छा ऑफर देकर तो आपने मेरी हेल्प कर दी। शहर की बॉर्डर तो क्या, इसे मैं अपने घर तक ले जाऊंगा। ससुर जी, जो भी गेम प्लान हो अच्छे से खेलना, क्योंकि मैं वो खिलाड़ी हूं जिसने कभी हार नहीं मानी। गाड़ी में बैठो।
भैया वो कोई मामूली इंसान नहीं है, सीएम से मदद मांगी क्या? नहीं, घर की इज्जत का मामला है, किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सीएम को पता चला तो वो शादी कैंसिल कर देंगे। तिरुपति जाओ और बिना वक्त गमाए मार डालो उस कमीने को और शैलजा को वापस लाओ। शुक्र है एक टेंशन से तो निकले। असली टेंशन तो अब शुरू होगी। मेरे पापा को वायलेंस या वायलेंट लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हें अपने घर ले जाने के लिए नया प्लान सोचना होगा। तुम कंधे पे सर रखकर सो जाओ जान, मैं सोचता हूँ। दिल बहुत घबरा रहा है सिद्धार्थ। हाय चाची। ये क्या, खिड़की से क्यों आ रहा है? मेन डोर से नहीं आ सकता क्या? सिंगल और कुंवारे दरवाजे से एंट्री मारते हैं, मैं तो डबल हूँ ना जोड़े में। जोड़ी? नमस्ते करो, हाथ जोड़ो। नमस्ते। नमस्ते चाची जी। नमस्ते। ट्रेन के सफर में मेरी प्यार की पटरी से गाड़ी उतर गई थी ना, इसी प्लेटफॉर्म पे। तुम खींचो मैं उठाता हूँ। जाओ। अरे जाओ। ये लड़की कौन है? दीदी पहले आके हेल्प कीजिए, बाद में पता करती हूँ। आइए सेल्फी। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चल गई तो जानते हो ना क्या होगा? इसी वक्त इस लड़की को इसके घर छोड़ाओ, जाओ। उन्हें शेंडी लगाना मेरी जिम्मेदारी है। उनकी नजर में शैलजा को मैं एक संस्कारी बहू साबित कर दूंगा, फिर वो ना नहीं कह पाएंगे। मुझे बस आपकी हेल्प चाहिए। कैसे होगा, ये पॉसिबल नहीं है। खुश रहो बेटी, अब मैं क्या करूं? बस टेंशन मत लो, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दो माँ, बाकी इस होनहार बेटे पर छोड़ दो मेरी प्याली माँ। इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है, मान जाइए ना दीदी प्लीज। ठीक है, पर अगर सब पूछेंगे तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे? आइडिया, हम कह देंगे चाची की रिश्तेदार है। अरे नहीं नहीं, सब मेरे रिश्तेदारों को जानते हैं। बिल्कुल नहीं, फिर से फोन भूल गए। हेलो, अरे मैं हूँ परफ्यूम मार के परफ्यूम प्रसाद, कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम दुबई। हाँ कहिए ना। ये रामा राव का नंबर है ना? नहीं, वो तो बैंक गए हैं। मुझे उनसे मिलके पूरे 20 साल हो गए, कहना मेरा फोन आया था, अगले हफ्ते मिलने आऊंगा परफ्यूम मार के। ठीक है, कह दूंगी। किसका फोन था चाची? तुम्हारे चाचा के फ्रेंड का फोन था, परफ्यूम प्रसाद, काफी सालों से कह रहा है कि मिलने आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, अगले हफ्ते आऊंगा, कहते कहते 20 साल गुजर गए। तेरे चाचा आ गए। पहले से कहीं छुपा दे, जा जल्दी 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 जल्दी। सिद्धार्थ, क्या हुआ? सिद्धार्थ, वो यहीं आ रहे हैं। अरे तो नहीं, 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 मैं कुछ नहीं कर सकता। आप उनकी हॉट बीवी हैं, कुछ करिश्मा दिखाइए। मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हें आज? पिछली बार हमारे इश्क की आग कब भड़की थी? मुझे भी याद नहीं। बालों में उंगलियां कब घुमाई थी? कब हमने साथ में डुएट गाना गाया था? सुनो ना, रोमांटिक गाना गाओ ना। मुझे गाना कहाँ आता? गाओ ना। करीब आओ ना, गिव मी अ चुम्मा मेरी जाने मन। मारा क्यों भैया? आप हैं? एटीएम की लाइन में छोड़कर यहाँ डांस कर रहे हैं? एटीएम की लाइन में क्यों खड़े थे? बुलट कट गई का, पता नहीं। 500 के नोट चेंज नहीं हुई। पार्टनर कैसे चेंज हो गया? कल तो किसी तरह संभाल लिया, तुम लोगों के चक्कर में मुझे हाई बीपी, लो बीपी, अस्थमा, हार्ट अटैक सब हो जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस कब काम आएगा? आपका सुहाग कहाँ है? वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। एक धासु आईडिया है, चाचा का वो दोस्त है ना परफ्यूम प्रसाद, दुबई वाला। हाँ। बोल देंगे उसकी बेटी है। अच्छा आइडिया। बिल्कुल नहीं हो सकता, चाचा को जानते हो ना, हरीश चंद्र की औलाद है, बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ ये तो प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं, पास आइए, अपना कानपुर लाइए। चाचा भुलक्कड़ है, हम उसी बात का फायदा उठाएंगे। ओके प्रियंका, आधे घंटे पहले कॉफी के लिए कहा था? कॉफी तो पी चुके है ना? पी चुका हूँ, अभी अभी तो ना कर आया हूँ। कॉफी कब पी मैंने? अरे अरे अरे, क्यों सबको परेशान कर रहे हैं? तुम्हारे सामने तो खाली कप पड़ा है। सिद्धार्थ को बुलाना, उसे पैसे चाहिए थे। क्या हुआ चाचा? अरे तुझे 5,000 चाहिए थे ना? वो तो आपने दे दिए। कब दिए? अरे कुछ देर पहले ही तो दिए आपने। जरा अपना वॉलेट चेक कीजिए। 5,000 कम है। अरे ये क्या, बच्चे अभी तक घर पे, स्कूल नहीं गए क्या? स्कूल की छुट्टी है, टीचर ने आपको बताया था।
हाँ याद है, याद है, तुम्हारे प्रिंसिपल ने फोन करके मुझे बताया था। जाओ खेलो बच्चे मन के सच्चे। अंकल टिफिन रेडी है, बैग में रख दूं? ठीक है रख दो। ये लड़की कौन है? मुझे नहीं पहचाना, आप ही तो मुझे लेकर आए थे अंकल, और अब आप मुझे पहचानने से इनकार कर रहे हैं। अगर मुझे पराया करना था तो फिर आप मुझे यहाँ लेकर ही क्यों आए? ठीक है मैं यहाँ से अभी चली जाती हूँ। अरे आपने तो कहा था चाचू ये आपके दोस्त परफ्यूम प्रसाद की बेटी है। आपने कहा था एक हफ्ता यहाँ रहेगी, आप पूछ रहे कौन है? परफ्यूम प्रसाद की बेटी? मैं से यहाँ लाया। आपने कहा था किसी जॉब इंटरव्यू के लिए इंडिया आई है। सच में? मैंने जो कुछ कहा तुम्हें सब याद है, पर मुझे कुछ याद नहीं। आप भुलक्कड़ हो गए हो। क्या बात है रामा राव, ऑफिस नहीं जाना? बस निकल ही रहा हूँ। ये कौन है? मेरा फ्रेंड परफ्यूम प्रसाद, याद है ना? यूसी की बेटी है वो जो दुबई में रहता है। हाँ भैया, ये यहाँ पर जॉब की इंटरव्यू के लिए आई है, एक हफ्ते के लिए अपने घर में रुकेगी। नाम क्या है इसका? मेरी तरफ क्या देख रहे हैं? शैलजा बताया था ना? शैलजा। कौन सी डिग्री ली है? कितना भूलते हैं, इंजीनियरिंग कर रही है। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग। हर बात उससे क्यों पूछते हो? तुम्हारे चक्कर में मैं भी भुलक्कड़ बन जाऊंगा। देखो बेटा, इसे अपना ही घर समझना, संकोच मत करना, जो चाहिए मांग लेना। थैंक्स अंकल। अरे सिद्धार्थ। बोलिए चाचू। तूने जो कुछ कहा मैंने मान लिया, पर सच सच कहूँ तो मुझे कुछ याद नहीं। मैं तो सुबह सुबह उठ के 5 बादाम खाता हूँ। चाचू बुरा ना माने तो राज की एक बात कह दूँ? कह देना। लगता है आपको अल्जाइमर हो गया। अल्जाइमर? ये किसी ड्राई फ्रूट का नाम है क्या? ये ड्राई फ्रूट का नाम नहीं, बीमारी का नाम है। इसमें ब्रेन ड्राई होने लगता है और कोई फ्रूट नहीं लगते। तो क्या ब्रेन में पानी नहीं डाल सकते? डाल सकते हो, साथ में गाय का सूखा गोबर डालो। ग्रोथ ना हो तो किसी से पूछते रहो। किसी और से पूछना ही अच्छा है। जी। मेरा मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया। पूरी तरह। तू बता मैं क्या करूं? ऑफिस जाइए ना। ओके। बीमारी का नाम क्या था? अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स। ये मॉल को अपने बाप की दुकान समझ, शादी के लिए जो जो चाहिए बिंदास उठा ले। अरे जब शादी होनी नहीं तो शॉपिंग किस लिए? फालतू बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। अरे भाई मुझे नहीं लगता कि वो पीआर की लड़की को ला पाएगा। अरे सच का मर्द है वो, जरूर लाएगा। उसकी क्या गारंटी है? मेरी बात मानो, उसे फोन करो। जल्दी करो जल्दी करो। अब ये किसका फोन है? हेलो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुमने पीआर के घर में एंट्री की कि नहीं? बाबूजी मैं वो तीर हूँ जो सही निशाने पर लगता हूँ। शाबाश। ये तो यही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम पर किसी को शक तो नहीं हुआ ना? यहाँ मुझ पर किसी को शक नहीं है, लगता है आपको शक है इसलिए फोन किया ना। अरे लाल खोपड़ी, चल निकल यहाँ से। ऐसी कोई बात नहीं थी, मेरे आदमियों को तुम्हारी चिंता हो रही थी, तुम वहाँ सुरक्षित तो हो ना? अब तक तो हूँ, आपका फोन आया तो लकीली वाइब्रेशन मोड पर था फोन, रिंगटोन बजता तो पीआर रिंगमास्टर बनकर मुझे हंटर से धोता। आपके पास बैलेंस है इसलिए फोन मत कीजिए, यहाँ पे सिचुएशन इम्बैलेंस हो जाएगी, समझ गए? फोन रखिए। सर फोन है सर। किसका है? सीएम का है। ओफो। जी बोलिए। हाँ बताइए। कुछ खास नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से बात करना चाहता है, उसे फोन दो। हेलो पीआर, हेलो। समधी जी वो मार्केट गई है, बस आती होगी, उसके आते ही बात करवाता हूँ। ये झूठ कैसे बोल रहे तू? वो मार्केट में नहीं गई है, अपने लवर के साथ भाग गई है। जब भी फोन करता हूँ कोई नया बहाना बनाते हो। देखो मैं सिर्फ अपने बेटे की जिद पर इस रिश्ते के लिए राजी हुआ था, लेकिन अब वो रिश्ता खत्म। मेरा नाम ले लेकर तुम कोलकाता के किंग बन गए हो, आज के बाद तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता खत्म। समझे जी मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो, गेट लॉस्ट। सुजाता। हाँ। वो आरती वाली किताब कहाँ है? मुझे मिल नहीं रही है। वही देखिए, वही होगी। यहाँ कहाँ? शुरू हो जाओ। अरुणाम करुणा तरंगिताक्षी ध्रुत पाशांकुश पुष्प बाण चापां ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकार्य समुद्यता उद्यत भानु सहस्राभा चतुर्बाहु समन्विता Thank you.
तुम्हारे माता पिता बहुत भाग्यवान है बेटा। सुपर दामाद जी, आपसे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ के बारे में आपकी राय चाहिए। जब से शैलजा आई है, सिद्धार्थ के स्वभाव में काफी बदलाव आया है। फर्क तो पड़ेगा ना, दोनों प्यार जो करते हैं। मतलब ऐसी तिकड़म करनी चाहिए कि ये बदलाव हमेशा के लिए हो जाए और तिरुपति वाली लड़की को वो दिल से निकाल दे। बच गए। सच कहें तो शैलजा ने सबका दिल जीत लिया। अगर वो हमारे घर की बहू बने तो बहुत अच्छा होगा। क्यों रामाराव, इसके पापा तुम्हारे दोस्त है ना? लड़की का नाम शैलजा है, मेरे दोस्त परफ्यूम प्रसाद की बेटी है, वो दुबई में रहता है, यहाँ इंटरव्यू देने। चुप, मुझे उसे बात करनी है, जल्दी से उसे फोन लगाओ। अरे भैया, उसी का फोन आया है। हेलो। अरे रामाराव, मैं सुबह ही यहाँ आया हूँ परफ्यूम लगा के। अरे वाह, सनसेट रिसॉर्ट में रुका हूँ, मुझसे मिलने आ जाना। अरे सिर्फ मैं क्या, मेरे घर के सभी लोग तुझसे मिलने आएंगे। एक गुड न्यूज है। कैसी गुड न्यूज? अरे नहीं, फोन पर नहीं, खुद आके बताऊंगा। भैया वो खुद यहाँ पर आ गया है, सनसेट रिसॉर्ट में रुका है। अच्छा है, चलो आज ही मिल के आते हैं। कुछ ससुर साहब, आज का मुहूर्त अच्छा है लेकिन कल का मुहूर्त और भी अच्छा है, इसलिए कल चलेंगे। इस शुभ काम के लिए सब लोग मिलकर चलेंगे। ओके। मैं यहाँ टेंशन में हूँ और देखो तुम वहाँ क्या कर रहे हो। क्या हुआ, मुझे क्यों बुलाया? टेंशन हो गया है, वो परफ्यूम प्रसाद अचानक दुबई से आ गया। बाप रे, ये तो बहुत डेंजर खबर है। अगर चाचा उनसे मिलने पहुँच गए तो हमारी शादी कैंसिल समझो। मेरी बात सुन, शैलजा के लिए डुप्लीकेट माँ बाप अरेंज करने पड़ेंगे, ऐसा लगे कि दुबई से आए। इतनी जल्दी माँ बाप? हाँ, मैं एक आर्टिस्ट को जानता हूँ। कौन है? एक्चुअली वो लोग डुप्लीकेट है, जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है वो लोग उसका फ्री मेक बनाते हैं। ये मूवी लो बजट में होती है और इसे सिर्फ गाँव में दिखाया जाता है, इस रोल में वो फिट बैठेंगे लेकिन पैसे के थोड़े लालची। होने दे, बजट जो भी है बुला ले। Hairstyle. 24/7 तेरे बारे में टेंशन ले लेके मेरे सर का ये हाल हो गया है। तेरी तो hey! एक बुड्ढा टकला जिसका नाम है कटप्पा, मेरी तरह वैसे घूर रहा है जैसे उसकी वाइफ मेरे साथ हनीमून पर गई हो। मेरी फैमिली हिस्ट्री कब बताओगे? कब बताओगे? कब बताओगे? कब बताओगे? ए भाई, जेल में है, बहन तड़िपा रहा है, और कुछ जाना है तेरे को? मुझे जन्म देने वाली कहां है? वो देख, सामने लकड़ी चुन रही है। वो औरत? हां, लेकिन वो तो मेरी नानी लगती है। प्रोड्यूसर का चेक बाउंस नहीं हुआ होता तो फेशियल करवा कर तेरी छोटी बहन लगती। लाइटर चोरी करके लकड़ियों को जलाकर अपने बाप के दुश्मन देवड़ू को भस्म कर डाल, उसके लीवर किडनी को चोर बाजार में बेचकर रात को पार्टी करेंगे। यू मीन एम आई सिवुडू सन ऑफ साहुबली? साहुबली, साहुबली बलाल देवा। क्या हुआ मॉम, गला क्यों फाड़ रही हो? क्या यही है वो स्टूपिड बलाल देवा? प्रोड्यूसर का साला है इसलिए स्ट्रॉन्ग रोल इसे मिल गया, इसकी तो पूरी फैमिली का नक्शा बिगड़ा हुआ है। ए तो चुप कर बलाल देवा, 50/100 की किले को बचाने की तैयारी करो। गो चेंज द कॉस्ट्यूम। आर यू मैड? ये सच का किला नहीं है, फालतू का किला है, बुड्ढे को भेजो। अरे फाइटिंग सीन, पिटने का सीन, कॉमेडी सीन सब मैं ही करूं, जब तक मुझे किसिंग सीन नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। इनफ कटप्पा, यू हैव टू गो। ये हिडिंबा का जीजा है क्या? काला केडू, तबेले में पैदा हुआ, इसे गोबर की बात आती है। इसे सीधे नर्क पहुंचा दो, यही वो दुष्ट है जिसने मेरी सेल्फीज को डिसलाइक किया है। ये गाली दे रहा है क्या? ये कह रहा है कि तुम्हारी माँ को मॉडल होना चाहिए, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट में भेजना चाहिए। Hey, if you want, then go and kill her. You are most welcome. कह रहा है पहले इसे ही मार दो। Hey, काला खट्टा,
तेरा वाद मैं ही करूंगा। जय बासमती राय। जय बासमती। जय बासमती। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू। हाय जगन। हाय चंदू। मस्त एक्टिंग की। हाय, ये मेरा फ्रेंड है सिद्धार्थ। हेलो सर, नाइस टू मीट यू। आई एम जगन द रेकलेस स्टार। आई एम ब्रेनलेस स्टार। क्या परफॉर्मेंस है, फिल्म कहाँ रिलीज होने वाली है? ये अभी कई लैंग्वेज में डब होने वाली है। 300 करोड़ तो पक्के हैं। हाँ, वैसे शॉर्ट मेमोरी की वजह से हम सबको भूलने और उल्टे डायलॉग बोलने की बीमारी है। ओके ओके ओके, आपके परफॉर्मेंस में तो फायर थी। कल ऐसा ही फाड़ू परफॉर्मेंस मेरी फैमिली के सामने भी देना। 2 मिनट नूडल की तरह साहूबली से परफ्यूम प्रसाद बन जाना। समझ लो अभी परफ्यूम प्रसाद से ही बात कर रहे हो। मैं चाचा बन जाऊंगा और ये चाची। जलवे दिखाओ। ये लाइव परफॉर्मेंस है सर, हर इमोशंस के अलग अलग रेट है। TDS काट कर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा। ये वही नाटक मंडली है क्या? हाँ। दुबई के नहीं, डोंगरी के लगते हैं। इतनी पेमेंट में अमिताभ और ऐश्वर्या आएंगे क्या? अपने अपने कैरेक्टर में रहना, डायलॉग तो याद है ना? डायलॉग छोड़, अभी मेरी परफॉर्मेंस देख। अरे सिद्धार्थ। जी चाचू। तूने कहा था ना कि मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो गई है, जरा उस पर रोशनी डाल और बता परफ्यूम प्रसाद कौन है। जो भी होगा वो आपको पहचान लेगा ना। जल गई बत्ती। गुड रामू, तुमने एकदम सही कहा भैया। इनको भी अल्जाइमर है क्या? एक मिनट रामू, आई लव यू। हम लोग तो 20 साल के बाद मिले हैं, लेकिन तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही हो। एक भाई साहब, आपके लिए एक टोकरी परफ्यूम लेकर आए थे, जानते हैं रास्ते में ही खत्म हो गई। ये परफ्यूम बनाते हैं पर शायद चेक करने में खत्म हो गया। अरे क्या कर रहे हो, मैं हूँ रामा राव। आया ना गुस्सा, मुझे 24 घंटे हो गए यहाँ पर आए हुए, लेकिन तुम्हें मिलने के लिए अब टाइम मिला। तुम्हें रवा रहो, मैं जानता हूँ। देखा, ये नाटक कर रहा था। नाटक करना हमारा पेशा है। अरे भाई, सारी बातें क्या खड़े खड़े कर लोगे, अंदर भी आ जाओ। पहले तुमने गड़बड़ की, अभी मत करना। तू टेंशन मत लेना, देख लूंगा। मेरा भाई हमेशा आप लोगों की बातें करता है। हमने तो कल पहली बार उनका नाम सुना। इनका मतलब है कि कली चाचा ने आपके बारे में बात की है, उसकी बात। आपका बिजनेस मतलब मेरा? सिर्फ तुम्हारा नहीं, हम सबका। सेपरेट बिजनेस है क्या? हमारी लिमिटेड कंपनी है, इसकी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। यहाँ पर मेरी वाली बेटी कौन सी है? ये किसे माँ बाप का रोल दे दिया? क्या मतलब, अपनी बेटी को नहीं पहचानते? ये क्या मम्मी, कुछ दिन फोन नहीं किया तो आप तो मुझे भूल ही गई। खड़ी क्यों हूँ बेटी, पापा के पाँव छो। अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए पापा। अपने पापा को भूल गई बेटी। मैं आपके पैर नहीं छूने वाली। मुझे हर रोज फोन करने का प्रॉमिस किया था, लेकिन एक बार भी फोन नहीं किया। जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। ऐसा नहीं कहते, ये तुम्हारे पापा हैं। पर बेटी जैसा प्यार कहाँ करते हैं? क्या पकाओ ड्रामा है, होप खाना तो इंटरेस्टिंग होगा। आपका बेटा है ना? जी, मेरे MD का बेटा है। ये क्या, MD क्यों बुला रही, उनका नाम ले तू। एक्चुअली ये मुझे प्यार से MD बुलाती है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जौहर करण। और तुम्हारा नाम? अख्तर फरहान। दरअसल ये भाग मिल्खा भाग देखते हुए पैदा हुआ था। वो तो 4 साल पुरानी फिल्म है। अरे आप फिर भूल गए, ये तो रॉक ऑन के जमाने से उसकी फैन है ना। वो क्या है कि मैं फरहान की डाई हार्ड फैन हूँ ना। जिसके लिए यहाँ आए थे उसके बारे में बात करें। एक बात करनी थी, आपकी प्यारी बेटी 1 हफ्ते से हमारे घर में है, काफी घुल मिल गई है। हाँ? इतने दिनों से सिर्फ घुल ही मिली है, मैं होती तो जोक की तरह सबसे चिपक जाती। हाँ? इसका मतलब है कि 2 दिन में सबका दिल जीत लेती। अगर आप सहमत हैं तो अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज तो नहीं? चलो। तुम इससे प्यार करती हो? मेरे लाड प्यार का ये सिला दिया। बचपन में तुम्हें पोलियो के ड्रॉप्स अपने हाथों से पिलाए थे, और अब तुम्हारी वजह से मुझे इतने सारे पॉइजन के ड्रॉप्स पीने पड़ेंगे। मेरी नाक कटवाओगी क्या? अगर तुम्हें उसकी अंगूठी पहननी है तो मेरी डायमंड रिंग इसी समय उतार दो। जाइए, मैं नहीं उतारती। उतार इसे, उतार, उतार। नाउ यू वेट माय टर्न। अरे तुमने अपने इस अंकल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? जब तुमने 5 रुपए की कुल्फी मांगी तो मैंने 25 रुपए की चोकोबार खिलाई। जब तुमने डॉल मांगी तो मैंने बारबी का सेट लाकर दिया। और तुमने हम सबको इग्नोर करके इस लुक्खे से प्यार किया। अगर तुम्हें इनकी ओरिजिनल गोल्डन चेन पहननी है तो हमारी दी हुई ये नकली चेन तुम्हें अभी के अभी उतारनी होगी। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम, निकालो। पहले पूरी बात तो सुन लो। आपको गलतफहमी हुई है, ये आपस में प्यार नहीं करते। वो मैं खुद ही चाहता था कि इनकी शादी हो जाए। इस बारे में शैलजा को भी कुछ नहीं पता। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो इनकी शादी के लिए हाँ कह दीजिए। ठीक है, पहले पेमेंट की बात हो जाए। नो प्रॉब्लम सिद्धार्थ।
ए, क्या जरूरत थी पापा के सामने ओवर एक्टिंग करने की? इसमें हमारी गलती नहीं है, तुम्हारे पापा तो सीधे क्लाइमैक्स सीन पर आ गए, हमारे एक्टर होने का फायदा क्या हुआ? देखो भाई सिद्धार्थ, तुमने जितना पैसा दिया था उतनी डायलॉग डिलीवरी हो गई है, एक्स्ट्रा डायलॉग के लिए एक्स्ट्रा पैसे चाहिए? नॉन एक्टर साला। प्रसाद जी, हमारी तरफ से कोई जल्दी नहीं है, आपस में डिस्कस कर लीजिए और उसके बाद जवाब देना, हम इंतजार कर लेंगे। सिद्धार्थ चलो। देख लूंगा, लगता है प्रोड्यूसर बदलना पड़ेगा। हाँ सोचते हैं, देखो आज हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा, समझ गए? चलो मेरे साथ। ए, रुक जा, आज ये मेरी बीवी है। तुम्हारी नकली बीवी है, मेरी टाइम पास गर्लफ्रेंड है। ले जा। भैया, हमने शहर की हर गली को छान मारा है, मुझे नहीं लगता कि वो इसी शहर में रहता है, पर उसकी दीदी और चीजा यहीं रहते हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में? आप बोलो तो दोनों को उठा लूं क्या? क्या बात है सिद्धू, उस काम का क्या हुआ? बापू यहाँ सिचुएशन बहुत टाइट है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार नहीं कर। हैरान हूं अपने दुश्मन को खुद अपने पास आया देखकर, मेरी बेटी को कोई भगा कर ले गया। कौन ले गया? खुद को उसका आशिक कहता है, पता चला है हैदराबाद से, मैं उसी के लिए आया हूं। ए, ये है वो। चाहूं तो पुलिस और पॉलिटिकल पावर से इसे खत्म कर सकता हूं, लेकिन बेटी का मामला है, किसी तरह की बदनामी नहीं चाहता। जानता हूं कि हैदराबाद में तुम्हारा ही राज चलता है, अब पुरानी बातें भूल जाओ, मैं भी सब भुला दूंगा, बस मेरी बेटी मिल जानी चाहिए, बाकी सब बातें बाद में होती रहेंगी। वो हैदराबाद में कहीं भी होगा, मिल जाएगा तुम्हें, तुम्हारी बेटी मिल जाएगी और मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल जाएगा, पीआर। गुड, जब तक शैलजा मिल नहीं जाती मैं इसी शहर में रहूंगा, मुझे जो करना है मैं करूंगा, तुम अपना काम करो। ये लो। रात में लॉलीपॉप का तो मजा ही आ गया, नींद भी अच्छी आई। आराम की खाएगा तो नींद अच्छी आएगी। सेलिब्रिटीज की बॉडी को ऐसी जगह पे सुकून मिलता है। हाँ, वो तो है। हेलो हेलो रामा राव, कैसे हो? परफ्यूम लगा के? हाँ मैं ठीक हूँ। इस वक्त कहाँ हो? इस वक्त मैं सनसेट रिसोर्ट में बैठा हुआ हूँ। अरे मैं भी सनसेट रिसोर्ट में ठहरा हूँ, यहाँ आके मुझे पूरे दो दिन हो गए हैं, अभी तक मिलने क्यों नहीं आए हैं? अबे कौन बोल रहा है? अरे मैं हूँ परफ्यूम लगा के, परफ्यूम प्रसाद। परफ्यूम प्रसाद? परफ्यूम प्रसाद तो मेरे सामने बैठा है, तू कौन सा चाइना का माल है क्या? अरे जब मैं यहाँ हूँ तो चाइना का माल वहाँ कैसे पहुँच गया? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। रोड़े खुद को परफ्यूम प्रसाद बोल रहा है। कौन है रे तू? ओरिजिनल परफ्यूम प्रसाद का नाम लेकर पूरे मार्केट में डुप्लीकेट परफ्यूम प्रसाद चिपका रहा है, अगर दोबारा फोन करने की गलती की ना तो धो डालूंगा तुझे। मुझे मारेगा? मैं नहीं आता तो तुम सब डुप्लीकेट ओरिजिनल जेल में बंद होते। एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया तो क्लाइमैक्स को डील करके सील करो। इंटरवल से पहले क्लाइमैक्स कहां से आ गया? फिल्म का दी एंड करो, बाकी सब बाद में। चलो। हां ठीक है, चलो। मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर हाँ कहेंगे। एक फिल्म 60 सीन में कंप्लीट होती है, लेकिन शादी के लिए दो परिवार काफी हैं। मेरी स्टडी के हिसाब से आपकी फैमिली को दो फिल्मफेयर अवार्ड जरूर मिलेंगे अगर आप हम आपके हैं कौन पार्ट 2 में काम करें। इनका मतलब है कि हमारे खानदान में सब लोग प्यार और एकता से रहते हैं ना? हमने बेटी को एक फूल दो माली की तरह पाला है, आपकी फैमिली तो हम साथ साथ है वाली है ना? इनके कहने का मतलब है हम दोनों ने इसे बड़े प्यार से पाला है, हम इसे अपनी बेटी की तरह रखेंगे। हमने मन्नत मांगी थी कि अगर रिश्ता तय हो जाए तो हम तिरुपति जाएंगे, अगर आप कहें तो हम शैलजा को ले जाएं। आप ही की बेटी है, ले जाइए। अच्छा सुनो, चलो ट्रेन आ गई है, सारा सामान ले लिया। अरे रुकिए तो सही, आप रहने दीजिए, मैं उठा लूंगी ना। भाई साहब दरवाजे से अंदर जा पाओगे क्या? सुनो तो सही, जब जब घोड़ी पे चढ़ के शादी करने गया दुल्हन ही भाग गई, इसलिए इस बार ट्रेन से जाऊंगा। आपकी सोच का जवाब नहीं। वैसे मेरी दुल्हन कहाँ है, कहीं ये भी तो नहीं भाग गई? भाई साहब नई दुल्हन पकड़ो, भागने जाए। अरे जाओ तो पकड़ो उसे। मैं कैसे पकड़ू? आप पकड़ो। किसी काम का नहीं है, पकड़ा पकड़ी में ट्रेन चली जाएगी। चल अब चल, चलो चलो चलो। सुजाता, सिद्धार्थ ने मेरा मान रखा, उस प्यार को भुलाकर वो दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है जिसे मैंने चुना है। आज मैं बहुत खुश हूं। हम अनजाने में गलती कर रहे हैं, पापा को कन्विंस करने के चक्कर में हम उन्हें धोखा दे रहे हैं, उन्हें बता देते हैं कि तुम वही लड़की हो। चाचा मैं आपको, मैं सब कुछ जानता हूं सिद्धार्थ, तुम्हारे एक झूठ की वजह से आज भाई साहब कितने खुश हैं,
उनकी मुस्कान पर ग्रहण मत लगाओ, जो चल रहा है चलने दो, आगे जो होगा देखा जाएगा, कुछ मत बोलना। ए रामा राव, हां भैया करो, ट्रेन छूटने वाली है, जाओ चलो चलो बाय। सिद्धार्थ अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, काम खत्म होते ही अगली ट्रेन से आ जाऊंगा। बाय बाय। हेलो। हे, पीआर की बेटी को भगा के मेरे बेटे से उसकी शादी करवाने का वादा किया था और अब खुद ही उससे शादी करने के सपने दिख रहा है। ए, तू एक गुंडा है, तेरा दिमाग इतना चलता है? मैं तो लवर हूँ, मेरा कितना चलेगा बोल। जानता हूँ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मुझ में हिम्मत के साथ दिमाग, इसलिए तुझे दिमाग का दौरा पड़ने वाला है, नहीं समझा ना? पीछे मुड़ के देख। ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, हर दो स्टेशन के बीच उसके फैमिली के कम दो लोग मरने चाहिए। कुछ खाना है तो ले लो, बच्चे भी ना। ये तो वही फैमिली है, अगर वो लड़का इनके साथ हुआ तो फिर से दुल्हन को भगा कर ले जाएगा। एक काम करते हैं, पहले इनको उतरने देते हैं, उसके बाद ही मैं अपनी दुल्हन से मिलूंगा, तब तक हम बाथरूम में जाकर बैठते हैं। क्या हुआ, रास्ते में क्यों खड़े हो? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाल रहा है, जब भी शादी करता हूं दुल्हन को भगा ले जाता है। ए, जब से इस गांव में आया है अपनी BMW साइकिल पे लड़कियों को लिफ्ट दे रहा है। How did you dare to asking my ex and future wife for the lift? इन्हें लिफ्ट करने के लिए कार नहीं, एक क्रेन चाहिए। तुझे क्या मैं शक्ल से क्रेन वाला लगता हूँ? Yes, इसी वजह से गांव के लड़कियों ने तुझ जैसे ड्रैकुला को रिजेक्ट कर दिया। देख इनको, एकदम डायन लगती हैं। तुम तीनों एक सीक्रेट फिल्म बना सकते हो, चला। कुछ भी हो, इसकी शक्ल में पहचान है और कार में जान है। मस्त एक्टिंग की, आप सच में स्टार हैं। मुझे जानते हो? ऐसा ही समझ लो, कोलकाता से आए हैं हम। कोलकाता से? हाँ सर, हम यहाँ पर एक आदमी को ढूंढने आए हैं हैदराबाद में, उसका पता लगाते लगाते स्टूडियो में आ गए और आपसे मिल लिए। तुम्हारे पास फोटो है सर? अरे उसकी फोटो निकालो, मेरे बहुत सारे फैन हैं, आप भी व्हाट्सएप में डालता हूँ, निकाल फोटो। क्यों नहीं सर, ये देखो ये है। अरे ये तो सिद्धार्थ है। सही पकड़े हैं, तो सिद्धू है। तुम इसे जानते हो? मैं इसे जानता हूँ। अच्छे से जानते हो? एकदम अच्छे से। एक सेकंड में सिद्धार्थ का एड्रेस मुझे चाहिए, वरना तुम लोगों का कोई एड्रेस नहीं रहेगा। सर सर सर, विश्वास कीजिए सर, हम बिल्कुल इनोसेंट हैं, जिसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया उसी को पता होगा। सर ये मोटी चमड़ी है, थोड़ा जोर से मारने के लिए कहिए। चुप कर, पता बताओ नहीं तो लापता हो जाएगा। मैं इससे ज्यादा मार नहीं खा सकता, फोन नंबर एड्रेस सब बता दूंगा। सब कुछ अच्छे से बीत जाएगा। ए, पूरा घर छान मारो। कौन है आप लोग? कौन है तुम? पापा, पापा कहाँ है तेरा बेटा? मेरी बेटी को किडनैप करके उससे शादी के सपने देख रहा है, पागल समझा है मुझे? चाहूं तो इसी वक्त तुम सबको मारकर अपनी बेटी की शादी कहीं और करवा सकता हूँ। तेरा वह बेटा क्या कर लेगा मेरा? पापा, अगर अंकल को कुछ भी हुआ तो इसी वक्त मैं अपनी नस काट लूंगी। इस सब में इनकी कोई गलती नहीं, सिद्धार्थ से प्यार मैंने किया, अपनी मर्जी से इस घर में आई हूँ, अब तक सारे झूठ मैंने बोले हैं। सिद्धार्थ को भूल जाऊंगी और उसके प्यार को भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर आप इन्हें छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ चलूंगी।
पापा, सिद्धार्थ और शैलजा के बारे में हम सब कुछ जानते थे। इसमें शैलजा की कोई गलती नहीं है। हमने ही उसे सच छुपाने को कहा जब तक आप रिश्ते के लिए हाँ ना कह दे। मैंने भी जानबूझकर भुलक्कड़ होने का नाटक किया। मैंने दोनों का प्यार देखा भैया, और मुझे एहसास हुआ कि शैलजा हमारे सिद्धार्थ के लिए सही है। मुझे माफ करना, मैंने घर की खुशी के लिए किया। ससुर जी, अगर ये शादी करना चाहते तो कब के कर चुके होते। ये आपसे प्यार करते हैं इसलिए नहीं की। दीदी के पापा आए और उन्हें अपने साथ ले गए भैया। ये सही है, पापा जी को सब कुछ पता चल चुका है। मुझे माफ कर दो पापा, मैं आपको धोखा देना नहीं चाहता था। शैलजा आपका विश्वास जीतना चाहती थी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मगर आपके प्यार के आगे पापा, मेरा प्यार कुछ भी नहीं है। मैं उसे भुला दूंगा। तुमने मुझे पिता होने का मान दिया, तुमने एक बेटा होने का फर्ज निभाया, लेकिन मैं तुम्हारा प्यार पहचान नहीं पाया। तुम सब मेरे दिल के करीब हो। आज मुझे एहसास हुआ मैं कितना स्वार्थी हूं। मैं तुम दोनों का प्यार समझ ही नहीं पाया बेटा। ये शादी होकर रहेगी, और उसी दिन जिस दिन तय हुई है, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू पापा, थैंक यू। तू मेरे जाल में फंस गया है पीआर। सिद्धू को मैंने ही भेजा था ताकि तेरी बेटी से मेरे बेटे की शादी करवा सकूं। यकीन नहीं होता तो वो देख, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। तेरी बेटी से बिछड़ के बहुत मायूस हो गया था मेरा बेटा। ए, तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है बिच्छू। पीआर तू भूल रहा है, ये तेरा बंगाल नहीं हैदराबाद है, मेरा इलाका। चलो रे, चलो। अब भाई मेरी बात ध्यान से सुनो। पीआर शैलजा को ले गया है हाईवे की तरफ, वो 3-4 गाड़ियां लेकर निकल चुका है, उसे किसी भी हालत में रोकना होगा। तू आगे निकल, मैं पीछे आ रहा हूं। वो शैलजा को लेकर जा रहे हैं, उन्हें रोकना होगा। हाँ चाचू, मैं भी उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ। तू यहाँ उन्हें रोकेगा कौन? है एक तूफान। ए, कौन है रे तू? इनका नाम है दया, और इनको दया बिल्कुल नहीं आती। क्यों रे सांड, कार में क्या स्मगल कर रहा है? तुम मुझे नहीं जानते, और तुम में जानने लायक कुछ नहीं है। वन साइड स्टेप इन ज्योग्राफी रिपीट इटसेल्फ। ये क्या बकवास किया जा रहा है? मुझे बीच में रोकने का मतलब जानता है? अरे लेकिन तू फायरिंग क्यों कर रहा है? ये जुबान से नहीं गन से बोलते हैं, तुम्हें इनकी भाषा समझने में टाइम लगेगा। क्या? क्योंकि ये बहरे हैं। बहरा है? ए, भाई इस शहर के लायन है। बिल्कुल सही समझा, मैं लायन ही हूँ। मुझे देखकर तुम जैसे लोमड़ियों की सूसू निकल आती है। बंगालोगे तो लंच बनोगे। आई तुम मिमिक्री आर्टिस्ट है क्या? सर अभी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन में है।
इन्हें कन्विंस करोगे तो आगे जाने देंगे। लेकिन इसको मनाएं कैसे? खुद बहरा है ये। सर को फिल्मी गाने बहुत पसंद है, रोज 6-6 घंटे फिल्म देखते हैं। डांस करो, गाना गाओ, अगर सर को अच्छा लगा तो जाने दे। हेलो होम मिनिस्टर, मेरी वाइफ का फोन है, मैटर पूछ लो और मुझे समझाओ। हेलो, मैं मिसेस दया बोल रही हूँ। कल हमारी शादी की सालगिरह है ना, मेरे पति से कहो मुझे हनीमून वाले पिकनिक स्पॉट पर फिर से एक बार ले जाए। ओए शर्मा क्यों रहा है, वो क्या बोल रही है बता। अब इस बहरे को कैसे समझाऊं? भाई भाई मैं ट्राई करता हूँ। हाँ कर कर। तवायफ की तरह मुजरा क्यों कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट साइलेंट फिल्मों जैसे डांस करना होगा, जा रे वैसा डांस कर। क्या बोला? मैं बंद करो ये नौटंकी, पैंट में कॉकरोच घुस गया क्या? कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, हनीमून वाली जगह फिर से ले चलो, यही कहा होगा उसने, है ना? सर जैसा आपने कहा था मैंने उन सबको यहाँ पर रोक दिया है। सर देर मत करना सर, आप तो जानते हैं मेरी नौकरी जा सकती है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। थोड़ी देर और मैनेज कर। सर उन्हें यहाँ रोकने के लिए मेरे पास अब और कोई टॉपिक नहीं है। मैं नया टॉपिक भेजता हूँ ना। सुपर्ब सर। किस मनहूस का फोन है? कंटेंट क्या मैसेज है वो समझाओ मुझे। हेलो हेलो, मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस बोल रहा हूँ। शहर में 15 नक्सलाइट घुस गए हैं, दया से कहो उन्हें देखते ही उनका एनकाउंटर करते हैं। अरे ये इंपॉर्टेंट मैसेज है, इसे कैसे समझाऊं? अरे सिर्फ मैसेज देना है, बॉम्ब नहीं फेंकना, इतनी फटी क्यों पड़ी है? हमें क्या समझा, तेरे बाप के नौकर है। कंटेंट कंटेंट समझाओ। मैं समझाता हूँ सर। ब्रेक लगाओ ब्रेक लगाओ। समझ गया, नक्सलाइट्स घुसा है। यानी तुम समझ गए, अब हमें जाने दो। ए, हट रहे, आप उसे भीख क्यों मांग रहे हो? लड़की हमारे पास है पापा। ए चुपचाप हमारा रास्ता छोड़, वरना इसी रूट से तेरी अर्थी गुजरेगी। साला नौटंकी लगा रखा है। ए समझा इस बहरे को। समझ गया। इतनी हिम्मत, पुलिस वाले का एनकाउंटर करोगे? फिर से एक नई मुसीबत। हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि तुम लाल चंदन की लकड़ी स्मगल कर रहे हो, पर यहाँ तो लड़की के किडनैपिंग का भी केस है। गई भैंस पानी में। कन्या तुम कौन हो? सर इन लोगों ने मुझे किडनैप किया है। बस करो बेटी बस करो। अब सारा माजरा कान में घुस गया। तुम इस फूल सी बच्ची को किडनैप करके अपने इस फूल के गले बांधना चाहते हो? तुम चिंता मत करो बेटी, तुम इस फिल्म की हीरोइन हो। अपने हीरो का नाम बताओ, मैं मिलवा दूंगा। गंदी स्माइल क्यों दे रहा है? पब्लिक को बचाना हम पुलिस वालों का काम है, लेकिन दुल्हनिया को बचाना दिल वाले का काम है। ए, ए, मार दो साले को। शिंदे गाड़ी थामवा। दुल्हनिया नंबर दो, उसे जाने दो, कंटिन्यू द फाइट। शिंदे थांबवा, चेक करा। ए बैल इधर आ।
क्यों रे, किसके खेत से भाग के आ रहा है और जा कहाँ रहा है? मैं बस अपनी शादी करने जा रहा हूँ, आगे जो मंदिर है ना वहाँ पर। इतने साल बाद बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है और हमारा मुहूर्त भी निकला जा रहा है, आप जाने दीजिए। कुछ बोल यार। सर हमारे सर बहरे हैं, उन्हें जो भी समझाना है गा के समझाइए। अरे अगर ये दुल्हन भाग गई तो मेरी सेंचुरी पूरी हो जाएगी। इसमें टाइम खोटी मत कीजिए, कुछ बेसुरा सुनाइए ना। जूते उतार मारूंगा, भूकंप लाएगा क्या? बुढ़े जवान लड़की से शादी करेगा? उल्टे टायर निकल ले वरना पंक्चर कर दूंगा। मुंह क्या देख रहा है, इस बुलडोजर को ले जा। अरे बाप रे, ये तो वही मैरिज ब्रेकर है, शादी के साथ साथ हड्डियां भी तोड़ता है। भागो शिंदे। सर चलो, मैंने बहुत भाव खाया, थोड़ा हीरो को खाने दो। सर 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 सर, मैं दो मिनट आपसे बात कर सकता हूँ? किस लिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। प्लीज सर, सिर्फ दो मिनट लगेंगे। बोलो। यहाँ नहीं सर, अकेले में बात करनी है, प्लीज सर। सीन चेंज। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, तुम हमसे अलग थोड़े ही हो। ये क्या बेटी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुमने इतना अच्छा दामाद ढूंढा? वो गुस्से में उधर गया, हंसता हुआ आया ऐसे। कौन सा ब्रांड पिला दिया उसे? तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। भैया इतना मार खाने के बाद उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी तुम दोनों को साथ देखकर हुई है। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। कैसे किया बबुआ? अच्छा ससुर बनने का शॉर्टकट दिखाया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? किसी अरे गहरे से अपनी बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। ऐसे नहीं मैंने। समझी जी, आज से मेरी बेटी शैलजा आपकी अमानत। अरे आप तो कितने गुस्से वाले थे, अचानक इतने शांत कैसे हो गए? वही तो। दरअसल बात यह है समधी जी, जब मैं गुस्से में होता हूँ तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनता।